Hi everyone, my name is Tamina Chaudhary. Welcome to my YouTube channel. आई एम अजिक्स एक्सपर्ट ऑन एन अकेडमी फॉर नीट यू जी तो कोई भी बच्चा जो नी ट्वेंटी ट्वेंटी टू के लिए स्पायर कर रहा है ऑल ऑफ यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल राइट नाउ एंड पार्टिसिपेट इन दी थर्टी डेज कैप्स्यूल थर्टी डे कैप्स वही है जो नाम सजेस्ट कर रहा है एक ऐसा कोर्स जिसके अंदर हम तीस दिन क्लास लगा के पूरी की पूरी फिजिक्स को कम्पलीट करने वाले हैं नी ट्वेंटी ट्वेंटी टू के लिए सच दैट वी डू नॉट मिस आउट ऑन एनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप हम मिस ना कर दे और कोई भी एनसीआर टी के अंदर छुपी

जाएगा सिलेक्टेड क्वेश्चन का जो क्वेश्चन बैंक है वो टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा एनसीआर पंप टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा तो ये होगी तुम्हारी थ्री फोल्ड कवरेज एक ही दिन में एक चैप्टर की फिर बाद में जब हम मंडे से लेके फ्राइडे तक जाते हैं एंड वी हैव कवर्ड फाइव चैप्टर्स अब हम क्या करेंगे सैटरडे को बैठेंगे और उन पांच चैप्टर्स के ऊपर दोबारा से क्वेश्चन टाइप्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे सो दिस इज हाउ वी आर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड इन डे कोर्स हम ऑलरेडी सात लेक्चर्स लगा चुके हैं हम ऑलरेडी सात चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं ये आठवां दिन है दिस इज क्लास ऑफ थर्टी डे कैप्सूल कोर्स जिसके अंदर हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को कंप्लीट करने वाले हैं

दूसरा टॉपिक आ जाएगा बच्चों हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी फिर आ जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फिर आ जाएगा एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी उसके बाद आ जाएगा ग्राफ्स ग्राफ से पहले है एक्सेलरेशन Ultimately we will be talking about motion under the gravity and kinematic equations और ultimately हम लोग हम लोग बात करेंगे relative motion के ऊपर तो यार ये chapter ऐसा है कि मतलब statement wise अगर तुम्हें chapter खत्म करा दूँ तो मैं भी एक घंटे में खत्म करा सकती हूँ but I have included many questions ठीक है बहुत सारे questions include किए हैं कि at least मैं तुम्हें वो required precursor दे दूँ जो जिसकी ऊपर build करके तुमसे जो selected question के question bank मैंने अपने telegram channel के ऊपर provide उनको तुम सॉल्व कर पाओ ठीक है तो शुरू कर रहे हैं ये रिकॉर्डेड लेक्चर है बट आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू अटेंड द क्लासेस लाइव ताकि थोड़ा सा डिसिप्लिन बिल्ड हो जाए थोड़ा सा रूटीन बिल्ड हो जाए ठीक है एक बार जब क्लास खत्म हो जाएगी एवरीवन विल कम इन #day8 इन द कमेंट सेक्शन अब चाहे तुम पूरी क्लास कंप्लीट करो या तुम एक टॉपिक की कवरेज के लिए आई होप दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन बट इफ You have completed this class, use this class, you will comment hashtag day 8 in the comment section. And now let us start with topic number 1, which is distance and displacement. Now, distance and displacement basic si वी आर कंसिडरिंग मोशन मोशन का मतलब होता है एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जाना तो अब मैं एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक कैसे भी जा सकती हूँ जैसे कि मान लो मैं ये वाले पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट तक जाने की बात करूँ तो मैं कैसे भी ट्रैवल कर सकती हूँ मैं ऐसे भी ट्रैवल कर सकती हूँ मैं ऐसे भी ट्रैवल कर सकती हूँ मैं ऐसे भी ट्रैवल कर सकती हूँ मैं इस तरीके से भी ट्रैवल कर सकती हूँ है कि नहीं सो द पाथ दैट आई हैव टेकन टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट दैट इज द डिस्टेंस बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट पॉइंट एंड द फाइनल इज द डिस्प्लेसमेंट जैसे कि मान लो अगर बॉडी पहले यहां पर थी फिर वो यहां पर आ गई और ये पूरा घूम के इस तरीके से आई है सो आई कैन से दैट इफ दिस इज द पाथ टेकन बाई द बॉडी टू कम फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस डिफाइन कर पाऊंगी डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई आर पूरा पूरा का पूरा circumference टू पाई और टू पाई आर होता है तो तो आधा किसके होगा होगा के अगर मुझे यहाँ पर डिस्टेंस लिखना हो तो आई कैन से डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई पाईआर उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफर करता है से कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हम से लेके फाइनल पॉइंट तक एक वेक्टर खींचते हैं वो हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो आई कैन से अगर मुझे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करनी हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा तुम्हारे पास टू टाइम्स दी रेडियस एक और एग्जाम्पल लो ये वाले फिगर के ऊपर गौर फरमाइएगा अबकी बार बॉडी यहां पर थी पूरा का पूरा घूम के मान लो बॉडी यहां पर आ गई सो एज यू ऑल कैन सी दैट दिस इज पाथ टेकन बाय द बॉडी टू कम फ्रॉम दी इनिशियल पॉइंट टू दी फाइनल पॉइंट तो जब भी मैं पाथ की बात करूंगी आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस सो यू कैन सी दैट फॉर दी सेम इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आई कैन हैव वेरियस डिस्टेंसेज डिपेंडिंग ऑन की बॉडी पाथ कौन सा चूज करती है बट फॉर दी सेम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी जैसे कि अगर मैं इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक यहाँ राउट ले दे रही हूँ तो ऑब्वियस बात है डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई डिस्टेंस की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास यहाँ पर थ्री पाई आर डिवाइडेड बाय टू लेकिन अभी मान लो अगर मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट खींचो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर क्या करता है इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक जाता है तो यहाँ पर भी इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक जाएगा एज यू ऑल कैन सी दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट तो अगर मैं पाइथागोरस लगा लूँ

वो दस मीटर ऐसे ट्रैवल करके ए पॉइंट पे चले गई वापस आ रही है चालीस मीटर ट्रैवल किया बी पॉइंट आ गया फिर साठ मीटर ट्रैवल किया तो ओ पॉइंट पे वापस आ गया फिर दोबारा से बीस मीटर आगे चलता रहा तो सी पॉइंट पे आ गया तो अभी हम लोग डिस्टेंस को मैं यहाँ पर येलो में लेने वाली हूँ डिस्प्लेसमेंट को ब्लू में लेने वाली हूँ एज यू ऑल गिन सी कि डिस्टेंस के ऊपर मैंने विक्टोरिकल साइन नहीं लगाया बिकॉज डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर मैंने विक्टोरिकल साइन लगाया बिकॉज डिस्प्लेसमेंट एक विक्टर क्वांटिटी है अब हम चार केसेस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने वाले हैं। सबसे पहले जब बॉडी ओ से लेके ए तक जाती है तो अभी मान लो अगर बॉडी ओ से लेके ए तक गई तो बिल्कुल सीधी गई है ना बिल्कुल सीधी गई है तो अगर मैं पाथ लेंथ की बात करूं पाथ लेंथ भी सौ है और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं अगर मैं एक ऐसे वेक्टर के मैग्निट्यूड की बात करूं जो इनिशियल पॉइंट से लेके सीधा सीधा फाइनल पॉइंट के ऊपर जाके खत्म हो रहा है उसकी वैल्यू भी सौ है तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस की वैल्यू भी आगे बच्चों सौ मीटर डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आप डिस्प्लेसमेंट की भी वैल्यू आ गई तो मेरे पास पॉजिटिव सौ मीटर अब मान लो अगर मैं बोलती हूँ कि ओ से लेके बी तक जाओ और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिस्ट को डिफाइन करो तो डिस्टेंस लेंथ है जब तुम ओ से लेके बी तक जा रहे हो पहले तुमने ये वाला रास्ता कवर किया है फिर तुम लोगों ने ये वाला रास्ता कवर किया है तो पहले तुमने 100 मीटर कवर किया फिर तुमने 40 मीटर कवर किया तो तुमने रास्ता कितना कवर किया लेंथ यहां पर कितनी है एक है तो आई कैन से यहां पर डिस्टेंस की वैल्यू आ गई एक मीटर डिस्मेंट वेरास एक ऐसा वेक्टर है जो इनिशियल पॉइंट से लेके शुरू होता है और फाइनल पॉइंट पे जाके खत्म होता है तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट तुम यहां पर देख पा रहे हो पॉजिटिव की डायरेक्शन में साठ मीटर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव मीटर उसी तरीके से मान लो अगर मैं ओ ओ ओ पॉइंट 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 से 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 लेके लेके वापस दोबारा तक आ जाऊं तो वो point से मैं शुरू हुई और ओ पॉइंट के ऊपर मैं दोबारा से वापस आ गई सो नाउ इफ आई टॉक इन दी टर्म्स ऑफ डिस्टेंस अगर मैं पाथ की टर्म्स में बात करूं तो सबसे पहले मैं सौ मीटर ऐसे चली फिर सौ मीटर ऐसे चली तो मैं कितना डिस्टेंस चली मैं दो सौ मीटर का डिस्टेंस चली तो यहां पर डिस्टेंस कितना आ गया तुम्हारे पास दो सौ मीटर वेर आज डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो यही मेरा इनिशियल पॉइंट यही मेरा फाइनल पॉइंट तो अगर इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के इक्वल टू है तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है तुम फिर डिस्प्लेसमेंट वैक्टर नहीं बना सकते क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगेन वो वैक्टर है जो इनिशियल पॉइंट से शुरू होता है फाइनल पॉइंट तक जाता है तो अगर इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट दोनों सेम जगह पे लाइक करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वैक्टर जीरो वैक्टर हो गया तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट आ गया तुम्हारे पास जीरो मीटर और अब मानूँ अगर मैं स्टडी करती हूँ से लेके मतलब जो मोशन ओ से लेके शुरू हो के सी तक खत्म हो रहा है सी पे आके खत्म हो रहा है तो डिस्टेंस कितना है डिस्टेंस देखो सबसे पहले तुम सौ मीटर ऐसे चले फिर तुम सौ मीटर ऐसे चले फिर तुम बीस मीटर ऐसे चले तो अगर मैं डिस्टेंस की टर्म्स में बात करूं तो तुम तो तुम लोगों ने मीटर का डिस्टेंस कर लिया ना लेकिन अभी अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करती हूँ तो डिस्प्लेसमेंट अगेन इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक जाएगा इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक जब तुम जा रहे हो तुम बीस मीटर जा रहे हो नेगेटिव के डायरेक्शन में तो यहाँ पर क्या आया यहाँ पर तुम्हारे पास आ गया नेगेटिव ऑफ ट्वेंटी मीटर सो देर आर वेरियस कंक्लूजन दैट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम दब्जर्वेशन जो हमें यहां पर मिले हैं

डिस्प्लेसमेंट वेयर वेराज अगर डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है तो अगर मान लो कि जैसे कि तुम देख पा रहे हो कि जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर पॉजिटिव भी है डिस्प्लेसमेंट जीरो भी पॉसिबल है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी पॉसिबल है तो बिग ऑबियसली बात है डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर तो इट कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव इट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव अगर बॉडी ने मूव करना स्टार्ट कर दिया है ठीक है तो यहाँ पर कुछ बातें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे पास ना बच्चों एक ऐसा स्पेशल केस है जहाँ पर डिस्टेंस तुम्हें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दे देगा ध्यान ध्यान से मेरी बात सुनना वेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकता है तुम्हें तो पता होगा मान लो अगर मैं बोल दूं कि डिस्प्लेसमेंट दूर मीटर है जैसे कि हम लोग ये वाले केस में देख पा रहे थे डिस्प्लेसमेंट माइनस बीस मीटर था तो माइनस वाज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कि किस तरीके से वो नेगेटिव एक्स एक्सेस में डिस्प्लेसमेंट उसने शो किया है और बीस शो कर रहा था कि कितने मैग्नीट्यूड से डिस्प्लेसमेंट शो किया है तो वेन आई से मैग्नेट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इट मीन आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट लेंथ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो इनिशियल पॉइंट से ओरिजिनेट करके फाइनल पॉइंट तक जा रहा है ठीक है तो अगर मानो बच्चों बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे विदाउट टर्निंग बैक जैसे कि हमने ये वाले केस में देखा था जब बॉडी ओ से लेके तक गई थी सो वेन बॉडी वाज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक तुम लोग देख पा रहे थे कि किस तरीके से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्निट्यूड निकालू तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्निट्यूड ही मुझे क्या दे देगा डिस्टेंस दे देगा डिस्टेंस दे देगा है कि नहीं तो ये चीज तो हमें पता होनी चाहिए बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक तो जो डिस्प्लेसमेंट का माग्नेट्यूड होगा वही डिस्टेंस दे देगा जैसे कि एक और एग्जाम्पल दू तो मान लो कि बॉडी पर ऐसे नहीं करती है मान लो ये जो बॉडी है यहाँ पर बैठी हुई है सीधा सीधा ऐसे ट्रैवल करती है तो अगेन बॉडी हैज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक डिस्टेंस 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट माइनस बीस मीटर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नेट्यू माइनस बीस का मैग्नेट्यूड तुम्हें डिस्टेंस दे देगा विच अगेन इज 20 मीटर ये चीज समझ आ जानी चाहिए नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर ये लिखा हुआ है दैट ऑन अ जनरल बेसिस जैसे कि अभी डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मार्गनेट्यूड ये सिर्फ एक स्पेशल केस में है व्हेन दी बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक लेकिन अगर मैं जनरल मोशन ऑफ द बॉडी की बात करूं तो बॉडी टर्न्स लेती है चाहे वो टर्न बिल्कुल 180 डिग्री से हो 1 डिग्री से हो 2 डिग्री से हो कितने भी डिग्री से टर्न हो टर्न लेती है स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करती तो ऑन ए जनरल बेसिस मैं बोल सकती हूँ कि जनरली जो डिस्टेंस है उसका डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट जैसे कि मान लो मैं ये वाले मोशन की बात कर लू या फिर बच्चों अगर मैं ये वाले मोशन की बात कर लू या फिर मान लो अगर मैं ये वाले मोशन की बात कर लूँ या फिर अब मैं ये वाले मोशन की बात कर लू तो जनरली जो डिस्टेंस बॉडी ने शो किया होता है टू गो फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट इट इज ग्रेटर देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट ठीक है इट इज नॉट पॉसिबल दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस इट इज लाइक तुम समझो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में देर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको हमने डिस्प्लेसमेंट बोल दिया तो हम उतना डिस्टेंस शो कर सकते हैं बाय मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक लेकिन हम उससे कम डिस्टेंस नहीं शो कर सकते जैसे कि नीट में तुम्हारे मार्क्स सात सौ बीस से ज्यादा नहीं आ सकते है कि नहीं क्योंकि सात सौ बीस इज लाइक मैक्सिमम सात सौ बीस मैक्सिम मार्क्स है जो तुम लोग अटेन कर सकते हो उसी तरीके से आई कैन से कि डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम होना सिर्फ तभी पॉसिबल है बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक वरना वो हमेशा डिस्टेंस से छोटा ही रहेगा एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द डिस्टेंस टू बी लेसर देन द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट ठीक है आगे ये कि जो डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी इफ़ द बॉडी हैज स्टार्टेड मूविंग लेकिन मान लो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है जीरो भी हो सकती है अब डिस्प्लेसमेंट जीरो दो केसेस में होती है या तो ये कि बॉडी ने अभी तक मूवमेंट ही नहीं शो की है तो बॉडी ने अगर मूवमेंट ही नहीं शो की है तो ये वाले केस में तुम लोगों को समझना पड़ेगा यहाँ पर तो डिस्टेंस भी जीरो है ये वाले केस में डिस्टेंस भी जीरो आएगा और बच्चों ये वाले केस में डिस्प्लेसमेंट भी जीरो आएगा

बच्चों भी ऐसा नहीं है जहां पर मैं किसी भी के ऊपर लगा दूं कि ये अब खत्म हो गया, अभी आगे इस्तेमाल में नहीं आएगा इट इज लाइक घंटे के बाद भी distance, displacement, positive, negative, यही चीज़ चल रही होगी, मोशन uh, uh, सबसे पहले तो जब हम उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फिर बाद में जब हम उनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फिर जब हम उनके ऊपर ग्राफ कर रहे हैं फिर हम जब उनके ऊपर पर कर रहे हैं ठीक है सो यूल सी एवरीथिंग बींग रिपीटेड अभी के लिए वी आर डन विद टॉपिक नंबर वन और अब हम लोग आ जाते हैं टॉपिक नंबर टू पे विच इज स्पीड एंड वेलोसिटी तो देखो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर सम वन टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिसप्लेसमेंट एंड नॉट अंडरस्टैंड स्पीड एंड विलॉसिटी क्योंकि स्पीड इज गोइंग टू गिव यू की डिस्टेंस कैसे टाइम के साथ चेंज हो रहा है विलॉसिटी विल गिव यू डिसप्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है जैसे कि अभी अगर मैं जनरल बेसिस के ऊपर बात करूँ अभी अगर मैं एवरेज या फिर इंस्टेंटेनियस जैसे टर्म्स ना इंट्रोड्यूस करूँ तो मैं बोल सकती हूँ स्पीड इज बेसिकली कितना बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है एक सेकेंड में एंड विलॉसिटी इज की बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट शो किया है एक सेकेंड में बिल्कुल जनरल बेसिस के ऊपर अभी मैं बात कर रही हूँ तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन स्केलर क्वांटिटी होगा तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी होगा डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन वन सेकेंड वैक्टर क्वान्टिटी होगा तो ऑब्वियस ही बात है जो विलोसिटी है वो भी एक वैक्टर क्वान्टिटी होगा बाकी अभी मान लो अगर मैं इनके यूनिट्स की बात करूँ तो इट इज मीटर पर सेकेंड है ना मीटर पर सेकेंड चाहे अब मैं आ, बात कर लूँ डिस्टेंस ट्रावल्ड इन वन सेकेंड की या फिर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन वन सेकेंड की उसी तरीके से मान लो अभी बच्चों में यहाँ पर अगर डिमेंशंस की बात करूँ तो डिमेंशन गए लेंथ के डिमेंशन डिवाइडेड बाई टाइम के डिमेंशंस तो ये आ गया मेरे पास एल टी माइनस वन ठीक है तो जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया पिछले दस से पंद्रह मिनट में द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर एग्जैक्टली द डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी इसको हम लोग और ज्यादा अच्छे से समझते हैं बाय ब्रिंगिंग टर्म्स लाइक इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलॉसिटी एंड देन वील बी टॉकिंग अबाउट एवरेज स्पीड एंड एवरेज एवरेजिटी ठीक है तो वी आर कंटिन्यूइंग द स्पीड एंड वेलोसिटी बस अब हम क्या करें उनके सब टॉपिक के अंदर डाइव इन कर रहे हैं तो अभी अगर मान लो मैं बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूं तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एक पल में कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बॉडी की कितनी वेलोसिटी थी दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो एक पल में जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल टू है तो एक पल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है बॉडी ने उस पल में इट इज इक्वल टू कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया बॉडी ने उस पल में तो आई कैन से कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए जो मेरे पास वेलोसिटी रहेगी वही मेरे पास स्पीड भी रहेगी दैट इज द रीजन वी से दैट नो मैटर वॉट अभी देखो नो मैटर वॉट इंस्टेंटेनियस वेलॉसिटी का मैग्नीट्यूड तुम्हें हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा एंड दिस शुड मेक सो मच सेंस टू यू मान लो मैं मूव कर रही हूँ मैं मूव कर रही हूँ दस मीटर पर सेकेंड से तो अभी अगर मैं दस मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही हूँ एक पल में तो उस पल में मेरी वेलॉसिटी दस मीटर पर सेकेंड है और उसी का जो मैग्निट्यूड है वो तुम्हें इंस्टेंटेनियस स्पीड दे देगा ये चीज सब बच्चों को समझ आ जानी चाहिए सो वेन वी डिफाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसप्लेसमेंट फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल तो मैं बोल दूंगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नेट्यूड हमेशा मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड दे देगा अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गोइंग टू गिव यू एक पल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वॉट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है वो निगेटिव भी हो सकता है वो जीरो भी हो सकता है तो इंस्टेंटेनियस विलॉसिटी भी पॉजिटिव हो सकती है नेगेटिव हो सकती है जीरो हो सकती है लेकिन मैग्निट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी समझे जैसे कि लेट गिव यू वन एग्जांपल मान लो कि बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही हो ऐसे तीस मीटर पर सेकेंड से तो बॉडी अगर इस तरीके से तीस मीटर पर सेकेंड से मूव करेगी और मान लो मैं ये वाले पल की बात करूं तो इस पल में इसकी जो वेलोसिटी है देखो पॉजिटिव में तीस मीटर पर सेकंड है सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस

बाई डिफरेंशिएटिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑन विद टाइम उसी का मैग्नेट्यूड तुम्हें इंस्टेंटेनियस स्पीड दे देगा

हमेशा तुम्हें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को डिफरेंशिएशन जब तुम उसका शो करोगे टाइम के साथ तुम्हें तब मिलेगा तो मैं बिल्कुल यहाँ पर बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन की बात कर रही हूँ कि मान लो अगर टाइम की पावर एन है और अगर मैं उसका टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कर दूं तो ये जो पावर है मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी नई पावर वन से कम हो जाएगी जैसे कि यहाँ पर जरा सा देखिएगा मैंने तुमसे यहां पर ये यह पूछा कि व्हाट इज वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू तो वन सेकेंड तो सबसे पहले वेलोसिटी की इक्वेशन निकालोगे तो वेलोसिटी की इक्वेशन कैसे निकालोगे जब तुम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दोगे टाइम के साथ तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बच्चों तुम यहाँ पर टू टी स्क्वेयर प्लस टी का डिफरेंशिएशन शो कर रहे हो टाइम के साथ वैल्यू कितनी

ये चीज और क्लियर हो जाएगी ये वाले एग्जाम्पल से देखो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम के साथ कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है तो तुमसे ये पूछा हुआ है कि बॉडी की वेलोसिटी एक सेकंड के ऊपर कितनी है निकालो तो वेलोसिटी की कितनी है बॉडी की एक सेकंड पे उसके लिए तुम्हारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन चाहिए कि वेलोसिटी की एक ऐसी इक्वेशन जो तुम्हें यह बताए कि वेलोसिटी टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड करती है तो ये निकालने के लिए कि वेलोसिटी कैसे टाइम पे डिपेंड करती है हमें डिस्प्लेसमेंट की टाइम फंक्शन की इक्वेशन को डिफरेंसिएशन शो करनी होती है उसकी टाइम के साथ तो यहाँ पर अभी जरा सा हम लोग डिफरेंसिएशन कर देंगे फोर्टी क्यूब प्लस सिक्सटी स्क्वेयर प्लस टू प्लस नाइन का किसके साथ बच्चों किसके साथ डिफरेंसिएशन करेंगे हम लोग ठीक है इसको हम लोग हम इसकी डिफरेंसिएशन कर देंगे आए हाई हम इसकी डिफरेंसिएशन कर देंगे बच्चों किसके साथ टाइम के साथ, साथ. कीजिए वैल्यू वैल्यू कितनी आ आ गई गई अब तुमसे ये नहीं पूछा है हाउ इज वेलोसिटी अ फंक्शन ऑफ टाइम तुमसे पूछा हुआ है टाइम इज इक्वल टू वन सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है तो तुम यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू वन सेकंड सब्सिट्यूट करो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास ट्वेंटी सिक्स मीटर पर सेकेंड तो ये कौन सी वेलोसिटी है ये तुम्हारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है लो मैं तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछूं कि बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है तो कौन से टाइम के ऊपर बॉडी रेस्ट के ऊपर आ जाती है तो कौन से टाइम पे बॉडी रेस्ट के ऊपर आ जाएगी इसका मतलब वो वाला पल जहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई जीरो तो तुम्हें बेसिकली वो टाइम चाहिए जहां पे जहां पे आई कैन से दैट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज जीरो तो भाई वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जीरो तो तुम तभी बता पाओगे ना किस टाइम पे है? अगर तुम्हारे पास ये तुम्हें ये पता हो हाउ इज वेलोसिटी अ फंक्शन ऑफ टाइम तो हाउ इज वेलोसिटी अ फंक्शन ऑफ टाइम ये कैसे निकालोगे जब तुम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन की डिफरेंशिएशन कर दोगे टाइम के साथ तो वेलोसिटी वाली इक्वेशन आ जाएगी तुम्हारे पास dx बाई डी करके वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 24t 6 तो वेलोसिटी टाइम के साथ बच्चों ऐसे डिपेंडेंस शो कर रही है मुझे वो टाइम निकालना है जहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाए तो जीरो इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर टी माइनस सिक्स टाइम की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई वन बाय फोर सेकंड तो मैं बोल सकती हूँ कि वन बाय फोर सेकंड के ऊपर ये जो हमारी बॉडी है ये बॉडी रेस्ट के ऊपर आ चुकी है ठीक है कंसेप्ट जानो तो अभी तक हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे दैट डिस्कशन वाज ऑन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड तो मैं एक बार जरा सा ये वाली इक्वेशन के ऊपर बात करना चाहूंगी कि कैसे अभी हमने बोला है कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है इट इज गोइंग टू बी गिवन बाय डीएक्स बाय मतलब अगर तुम्हें क्वेश्चन में uh, जैसे कि अभी हमने तीन क्वेश्चन कर लिए अगर तुम्हें क्वेश्चन में एक ऐसी हो, अगर तुम उसकी एक बार कर के साथ, तुम्हें ये पता लग जाएगा time, और उसी तरीके से मानो बच्चों अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं तो थोड़ा सा रीअरेंज करने पे मेरे पास आ जाती है ये इक्वेशन और जब मैं इसकी इंटीग्रेशन कर दूंगी तो मेरे पास बनेगी कुछ ये वाली इक्वेशन तो अभी ये वाली इक्वेशन क्या बोल रही है ये वाली इक्वेशन बोल रही है कि अगर तुम्हारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन है जो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है ठीक है तो जब तुम उस इक्वेशन की इंटीग्रेशन करोगे टाइम के साथ तो तुम्हें यहाँ पर ये पता लगेगा कि कितना चेंज इन पोजिशन तुम लोग टाइम के साथ देख पा रहे हो वॉट इज चेंज इन पोजिशन दैट ऑल ऑफ यू आर एक्सपीरियंसिंग विद टाइम चेंज इन पोजिशन को ही क्या बोला जाता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है इसके ऊपर आगे क्वेश्चन है उससे बेटर क्लैरिटी और आ जाएगी तो तुम देख पा रहे हो अभी तक हम लोग इंस्टेंट के बारे में बात कर रहे थे एक पल में एक पल में जो डिस्टेंस था उसी वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड था तो एक पल में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी उसी का मैग्नीट्यूड तुम्हें इंस्टेंटेनियस स्पीड भी दे रहा था अब मानो अगर मैं एक इंस्टेंट को ना कंसीडर करके पूरा का पूरा एक टाइम इंटरवल कंसीडर करूं तो वो वाले केस में आई विल नॉट बी एबल टू डिफाइन इंस्टेंटेनियस बिकॉज़ मैं एक पल की बात नहीं कर रही हूं मैं एक टाइम इंटरवल की बात कर रही हूं जैसे कि दो सेकंड और सात सेकंड के बीच में दो सेकंड और 100 सेकंड के बीच में 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में तो जब मैं टाइम इंटरवल स्पेसिफाई कर दूं और फिर तुमसे पूछूं कि व्हाट इज दी स्पीड और व्हाट इज वेलोसिटी तो वो वेलोसिटी को हम लोग एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी बोल देते हैं ठीक है तो स्पीड का यार फंडा बहुत सेम है स्पीड <laughs> हमें बताता है किस तरीके से डिस्टेंस चेंज हो रहा है टाइम के साथ और उसी तरीके से वेलोसिटी हमें बताता है कि किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो आई कैन से एवरेज स्पीड इज गोइंग टू बी इट इज गोइंग टू बी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है बॉडी ने एक सेकंड में या फिर आई कैन से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है बॉडी ने टी के टाइम इंटरवल में डिवाइडेड बाई द टाइम ऑफ दैट टाइम इंटरवल उसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करूं तो एवरेज वेलोसिटी इज गोइंग टू तो बी कितना डिस्प्लेसमेंट शो किया है बॉडी ने एक सेकंड में अगर मैं उसको यूनिटरी मेथड के बेसिस पे एक टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन करूं या फिर मैं बोल सकती हूं एवरेज वेलोसिटी इज कितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने शो किया है टी टाइम में वे टी इज द टाइम ऑफ द टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाई द टाइम ऑफ द टाइम इंटरवल तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दोनों तुम्हारे मीटर पर सेकेंड में आ जाएंगे ठीक है अब बच्चों एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के यूनिट्स क्या आगे यूनिट्स जैसे मैंने अभी बोला मीटर पर सेकेंड में आ गए डिमेंशन भी इसके एल्टी माइनस वन रहेंगे लेकिन अगेन देखो मकैनिक्स है कुछ चीजें स्टेटमेंट से क्लिक कर जाती है लेकिन हम उनको खुद से अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर हम उनको अप्लाई होता हुआ है ना देखें सो लेट अस डू सम क्वेश्चन जिसकी हेल्प से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का फंडा क्लियर हो ठीक है तो मैं तीन बार रिपीट कर दूंगी तो मैं क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने वही मोशन कंसिडर किया ये डायग्राम तुम लोगों ने देखा होगा ओ से लेके ए तक सौ मीटर अब तुम कवर कर रहे हो दो सेकेंड में फिर चालीस मीटर तुम यहाँ पर चले गए चार सेकेंड में फिर साठ मीटर एक सेकंड में और फिर बीस मीटर दो सेकेंड में अब हमें यहाँ पर क्या करना है ना अब हम यहाँ पर अगेन एवरेज वेलोसिटी जिसको मैं ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखने वाली हूँ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को डिफाइन करेंगे ठीक है इन टाइम इंटरवल्स के लिए तो सबसे पहले पे आ जाओ सबसे पहले आ गया तुम्हारे पास तुम ओ से लेके ए तक जा रहे हो तो बच्चों अभी अगर तुम लोग ओ से लेके ए तक जा रहे हो तो तुम देख पा रहे हो दो सेकंड में तुमने डिस्टेंस भी सौ का कवर करा है और मैं ये बोल सकती हूँ बॉडी हैज मूव्ड इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी सौ मीटर का है मतलब अगर मान लो मैं यहाँ पर एवरेज स्पीड की बात करूं तो एवरेज स्पीड हो जाएगा मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया टी टाइम में डिवाइडेड बाई दैल्यू ऑफ टी टाइम तो ये आ गया ना मेरे पास ये वाली वैल्यू कितनी आ गई पचास मीटर पर सेकेंड उसी तरीके से अगर मान लो मुझे यहां पर एवरेज वेलोसिटी पूछ लिया जाए कि ओ से लेके ए तक तुमने टाइम इंटरवल बता दिया टाइम इज इक्वल टू जीरो से टाइम इज इक्वल टू टू के बीच में वॉट इज द एवरेज वेलोसिटी तो अब तुम देखोगे इस टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कितना है तो तुम देखो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे पास सौ का ही आ रहा है तो ऊपर चढ़ जाएगा पॉजिटिव सौ मीटर डिनोमिनेटर में आ गया दो सेकेंड वैल्यू कितनी आ गई पॉजिटिव फिफ्टी मीटर पर सेकेंड तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूं फॉर सो इफ दिस इज देन फॉर एनी टाइम इंटरवल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड आई कैन से दैट ओनली इन दिस केस द मैग्निट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज गोइंग टू गिव यू द एवरेज स्पीड और केसेस में ऐसा नहीं होगा जैसे कि ये वाले केस में और ये वाले केस में देखना मान लो अगर मैं ओ से लेके बी तक का मोशन कंसिडर करूँ तो ओ से लेके बी तक एज यू ऑल कैन सी डिस्टेंस एक सौ चालीस है लेकिन डिस्प्लेसमेंट साठ है तो अभी अगर मान लो मैं एवरेज स्पीड को डिफाइन करने लगूँ तो आई कैन से कि एक सौ चालीस मीटर का डिस्टेंस हमने ट्रैवल करा है कितने टाइम में करा है ये आ गया दो सेकेंड या आ गया चार सेकेंड छः सेकेंड में कवर कराए तो ये यहां से मुझे एवरेज स्पीड आई है अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो मैं देखूंगी कि ओ से लेके बी तक कितना डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट है है तो कितना साठ मीटर का डिस्प्लेसमेंट है लेकिन टाइम कितना लगा है उसे लेके बी तक जाने में दो सेकेंड चार सेकेंड छकेंड तो अब मैं यहाँ पर लिख दूंगी कि डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव साठ मीटर का टाइम आ गया छे सेकेंड देख लो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज डिस्टेंस नहीं है दोनों सेम मैग्नेट्यूड के उसी तरीके से मान लो अभी अगर मैं ये वाला केस लूं कि जो बॉडी है उसे लेके ए तक जाती है फिर सी तक जाती है तो उसे लेके सी तक की जर्नी के लिए अगर मुझे अगर मुझे मुझे डिस्टेंस एवरेज एवरेज वेलोसिटी और स्पीड डिफाइन करना हो मैं मैं कर दूंगी अगर एवरेज स्पीड की बात करूं तो मैं डिस्टेंस देखूंगी तो ओसे लेके सी तक तुम लोग ये वाला डिस्टेंस कवर करते हुए जा रहे हो ना तो ये आ गया तुम्हारे पास सौ मीटर फिर ये आ गया सौ मीटर फिर ये आ गया बीस मीटर तो तुम लोगों ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है

डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव बीस मीटर डिवाइडेड बाय बताओ कितना टाइम लगा है उसे लेके सी तक जाने में उसे लेके सी तक जाने में यहाँ पर नौ सेकेंड लगे तो डिवाइड कर दो उसको नाइन सेकेंड से एक बार जरा सा यहां पर देख लीजिए सो देर आर अ फ्यू कंक्लूजन दैट ऑल ऑफ यू कैन ड्रॉ फ्रॉम हेयर ठीक है एक मिनट आई वो सींग दैट देर आर अ फ्यू कंक्लूजनस दैट ऑल ऑफ यू कैन ड्रॉ फ्रॉम हेयर नंबर वन कंक्लूजन ये नंबर वन कंक्लूजन ये कि इफ बॉडी हैज स्टार्टेड मूविंग अगर मान लो, बॉडी तो तो है कि जो तुम्हारी average speed है, इट विल जीरो क्योंकि distance zero हो ही नहीं सकता तो डिस्टेंस जीरो हो नहीं सकता तो ऑब्वियसली बात है एवरेज स्पीड नहीं जीरो बट इफ स्टार्टेड मूविंग तो आई कैन से एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो एवरेजिटी कैन बी जीरो और ये कौन से स्पेशल केस में होगा ये सिर्फ तभी होगा वेन दॉडीज बैक टू वॉइंट अगर मैं बोल रही हूँ कि बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया है लेकिन एक टाइम इंटरवल के लिए उसकी एवरेज विलोसिटी जीरो है मतलब उस टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो कब बॉडी मूव करना शुरू कर देती है लेकिन जीरो डिस्प्लेसमेंट शो करती है इट इज ओनली वेन दॉडी हेज रिटर्न बैक टू एड्स इनिशियल पॉइंट तो आई कैन से बॉडी has returned back, has returned, returned back to its initial point, to its initial point, ठीक है सबसे पहली चीज दूसरी चीज बच्चों ये कि अगेन एवरेज स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है ठीक है एवरेज स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है एवरेज विलोसिटी एक वेक्टर क्वान्टिटी होगी सो नाउ इफ आई नीड टू स्पीक इन दी टर्म्स ऑफ एवरेजिटी तो देखो एवरेजिटी कैन आई सेवरेजिटी डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और बड़ी बेसिक सी बात कर रही हूं मैं सेम चीज इंस्टेंटेनियस वेलॉसिटी के लिए भी होगी कि इंस्टेंटेनियस वेलॉसिटी विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द डिसमेंट शोन बाई दॉडी इन दैट इंस्टेंट है से सेम मैं यहाँ पर जैसे मैं वहाँ पर एक इंस्टेंट के लिए डिफाइन कर रही थी मैं टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन कर सकती हूँ दैट दी एवरेज वेलोसिटी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल द साइन कन्वेंशन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल विल डिपेंड ऑन वॉट इज द डिस्प्लेसमेंट और वॉट आर द साइन कन्वेंशन ऑफ द डिसमेंट

ठीक है ये चीजें बच्चों अभी और क्लियर होगी जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे सो लेट अस डू क्वेश्चन स्टेटमेंट इतना ही थे एक्सप्लेनेशन इतना ही था अब आगे जितना भी क्लियरेंस आएगा क्वेश्चन की हेल्प से आएगा तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखिएगा तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों एक अनहिंज्ड व्हील है अनहिंज्ड व्हील का मतलब क्या होता है जैसे कि तुम्हारे सर के ऊपर अभी पंखा चल रहा होगा तो पंखे को मैं एक ऐसा रोटेशन की टर्म्स में डिफाइन कर सकती हूँ जहां पर एक्सेस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है ठीक है उसी तरीके से मान लो अगर मैं एक इस तरीके से एक रॉड ले लूं और ऐसे एक इसके अंदर एक व्हील इंसर्ट कर दूं तो अब अगर ये व्हील ऐसे घूमेगा ना तो आई कैन से दैट दी व्हील इज हिंज्ड क्योंकि उसका जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है ये जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो फ़िक्स्ड है लेकिन मान लो अगर व्हील इस तरीके से रोल करता करता आगे जाए तो वो वाले केस में एक्सेस ऑफ रोटेशन भी मूव कर रही है तो अनहिंस्ड व्हील का मतलब ये है दैट द ऑफ रोटेशन विल इज नॉट गोइंग टू तो बी फिक्स्ड और ये जो हमारा व्हील है सिर्फ रोटेट नहीं करेगा रोल करते करते आगे भी जाएगा तो क्वेश्चन ये है कि ये था हमारे पास व्हील टाइम इज इक्वल टू जीरो सेकेंड पे ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट था इसको मैंने पी पॉइंट ले लिया ठीक है अभी आधी रोटेशन शो करता है आधी रोटेशन शो की लेकिन रोल करते करते की तो ही बात है आधी रोटेशन जब तक शो की तो ये पी पॉइंट बिल्कुल ऊपर तो आ गया नंबर वन बट इट हैज ऑल्सो डिस्प्लेस्ड इन दॉजिटिव डायरेक्शन तुम देख पा रहे हो ये ऊपर आ गया दैट इज डेफिनेट क्योंकि पूरा का पूरा आधा तुम्हारा जो सर्कल था या जो सेमी सर्कल था वो कवर कर लिया पी पॉइंट ने लेकिन इट हैज ऑल्सो डिस्प्लेस्ड इन दी एक्सटेक्शन बिकॉज हमारे पास जो व्हील था वो अनहिंस्ड था तो अब तुमसे ये पूछा हुआ है द क्वेश्चन इज दैट वॉट इज गोइंग टू बी दी एवरेज वेलोसिटी फॉर पी पॉइंट तो तुम्हारे दिमाग में एवरेज वेलोसिटी नहीं आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि एक्चुअली में पी पॉइंट ने कितना डिस्प्लेसमेंट शो किया है और वो डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में शो किया है तो अभी अगर मैं पी पॉइंट की बात करूं तो देखो पी पॉइंट पहले जहां पर प्रेजेंट था और बाद में जहां पर प्रेजेंट है आई कैन से दैट दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एक बार जरा सा देखिए मैं इसको डिस्प्लेसमेंट मान सकती हूँ दिस इज द डिस्प्लेसमेंट शोन बाय पी पॉइंट और कितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट शो किया है तो ये टाइम इज इक्वल टू जीरो पे ये हल है टाइम इज इक्वल टू ट्वेंटी सेकंड पे ये हल है तो डिस्प्लेसमेंट ये जो पी पॉइंट ने शो किया है बी सेकंड में शो किया है. तो ये तो मैं डायग्रामेटिकली देख पा रही हूँ ना हाउ डू आई राइट इट इन एन इक्वेशन कि यहाँ पर वट इज वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट शोन बाई पी पॉइंट तो मेरे दिमाग में आएगा मेरे दिमाग में सीधा सीधा ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा मुझे

तो जब बॉडी आगे मूव की है तो ये बचा कुचा हिस्सा यहाँ पर ट्रैवल हुआ है ना समझो पी पॉइंट यहां से लेके यहाँ तक आ जाए तो ये वाला हिस्सा जो है ये वाला हिस्सा यहां पर सर्कल ऐसे कवर करेगा तो अब अगर पी पॉइंट यहां से लेके यहां तक आ चुका है इसका मतलब ये वाला पॉइंट यहां से लेके यहां तक आ चुका है तो ये जो तुम्हारे पास डिस्टेंस है पाई आर पूरा का पूरा यहाँ पर बिछा है तो ये डिस्टेंस तुम्हारे पास कितना आ गया ये डिस्टेंस आ गया पाई आर तो तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई देखो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट शोन बाय द पी पॉइंट ये आ गया तुम्हारे पास अंडर रूट ऑफ पाई आर का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर वैल्यू कितनी आ गई आर अंडर रूट ऑफ मीटर ये आ गया डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में आया बीस सेकेंड में आया तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है एवरेज वेलोसिटी होता है कितना डिस्प्लेसमेंट शो किया है तो जरा सा गौर फरमाइएगा इतना डिस्प्लेसमेंट शो किया है डिवाइडेड बाय कितने टाइम में इतने टाइम में दिस गिव्स अस एवरेज वेलोसिटी फॉर दी पी पॉइंट जितने क्वेश्चन उतने क्लैरिटी अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक गाड़ी है तो जब तक बॉडी जब तक क्वेश्चन ये बोले ना दैट बॉडी इज टर्निंग और बॉडी इज मतलब जब तक ये क्वेश्चन uh, स्पेसिफाई uh, ना करे दैट द बॉडी इज नॉट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक ऑलवेज कंसिडर इट टू बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक जब भी हम मोशन इन वे की बात करें मैं इसे ये बोलना चाहती हूँ कि क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन ये है दैट अ कार कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड एंड अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ 60 मीटर पर सेकेंड तो अभी तुमसे ये पूछा हुआ है कि अगर एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू वी है देन व्हाट इज द मैग्निट्यूड ऑफ वी तो तुम लोग यहाँ पर इस तरीके से कंसिडर करके चलो कि मान लो पहले बॉडी ने डी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया बीस मीटर पर सेकेंड से ठीक है फिर बाद में उसने डी डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया साठ मीटर पर सेकेंड से तो आई कैन से पूरी की पूरी जर्नी टू की है जिसमें डी डिस्टेंस बीस मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल हुआ है डी डिस्टेंस साठ मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल हुआ है अब तुमसे पूछा गया है कि पूरी की पूरी जर्नी के लिए वॉट इज द एवरेज वेलोसिटी तो ये मेरे पास इनिशियल पॉइंट है ये मेरे पास फाइनल पॉइंट है तो तुम लोग देख पा रहे हो बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक तो एवरेज वेलोसिटी हो जाए या फिर एवरेज स्पीड हो जाए दोनों मुझे सेम ही मिलेगा बिकॉज फॉर अ फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट जंपिंग बैक टू पॉइंट मान लो बॉडी पर इस तरीके से टी वन टाइम के लिए मूव की है और यहाँ पर टी टू टाइम के लिए मूव की है तो बच्चों तुम बिल्कुल डायरेक्ट कंसेप्ट के ऊपर चलो डो नॉट मेमोराइज दीज फॉर्मुलास अभी तुमसे पूछा जाता है एवरेज वेलोसिटी निकालो तो निकालो तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल टू होगा फॉर दिस केस इट इज गोइंग टू बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करें तो पहले डी का डिस्टेंस ट्रेवल किया फिर डी का डिस्टेंस ट्रैवल किया डिवाइडेड बाय कितने टाइम में तो सबसे पहले टी वन का टाइम लगा फिर टी टू का टाइम लगा तो अब तुम्हें क्या करना है ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है अब बस तुम्हें यहां पर टी वन की यहां पर टी की की वैल्यू वैल्यू करनी करनी है है और आंसर आ जाएगा जैसे कि अगर मैं टी वन की वैल्यू की बात करूँ तो टी वन आ गया डी डिवाइडेड बाई ट्वेंटी उसी तरीके से टी टू की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास डी डिवाइडेड बाई सिक्सटी अब तुम इसको आगे सॉल्व कर सकते हो अब ये वाली वैल्यू आगे तुम्हारे पास टू टाइम्स ऑफ सिक्स टू टाइम्स ऑफ सिक्सटी मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी डिवाइडेड बाई सिक्सटी प्लस ट्वेंटी खुद से सॉल्व कर सकते हो मैं अगर तुम्हें यहाँ पर भी छोड़ दूँ, दैट इज परफेक्टली फाइन न्यूमरेटर में भी डी है डिनोमिनेटर में भी डी है कैंसिल हो जाते हैं तो न्यूमरेटर में बचता है दो डिनोमिनेटर में बचता है उसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा दिस गिव्स यू दी फाइनल आंसर तो रटना नहीं है एक और क्वेश्चन करो यहाँ से और क्लियरेंस आएगी क्वेश्चन यहाँ पर ये यह है कि कार कवर करता है आधे टाइम को चालीस मीटर पर सेकेंड से कि मान लो कहीं पे जा रहा है उसको चार सेकेंड लग रहे हैं तो दो सेकेंड इससे दस सेकंड लग रहे हैं। तो पांच सेकेंड इससे दोबारा से क्वेश्चन so, so, पूछा हुआ है बॉडी निकालो डायग्राम ड्रॉ करो डायग्राम से ये होगा तुम्हें दिखेगी चीज है तो so, सबसे पहले बॉडी ने क्या किया सबसे पहले बॉडी टी टाइम के लिए चली चालीस मीटर पर सेकेंड से मान लो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ डी वन ठीक है फिर बाद में जो ये मेरी बॉडी है ये टी टाइम के लिए चली दस मीटर पर सेकेंड से मान लो ये यह, यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो डी टू है अब तुम कंसेप्ट के ऊपर फोकस करो एवरेज वेलोसिटी पूछी हुई है बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक देखो ये मेरे पास इनिशियल पॉइंट है ये मेरे पास फाइनल पॉइंट है तो एवरेज वेलोसिटी मतलब एवरेज स्पीड इज वन एंड द सेम थिंग तो अभी अगर मैं यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालू तो वो आ जाएगा डिस्टेंस वाई टाइम अब डिस्टेंस मेरे पास कितना है डिस्टेंस है मेरे पास डी वन प्लस डी टू टाइम कितना लिया है टाइम लिया है मैंने टी प्लस टी तो अभी तुम्हें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं यहाँ पर डी वन की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे डी टू की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे सॉल्व हो गया है ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम ना जब तक स्पीड कॉन्स्टेंट है तो डी वन की वैल्यू कितनी आ गई फोर्टी टाइम्स ऑफ टी डी टू की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई टेन टाइम्स ऑफ टी अब इसको जरा सा सॉल्व कर लो तो ऊपर आ गया तुम्हारे पास फिफ्टी टाइम्स ऑफ टी नीचे आ गया टू टी आंसर कितना आ गया पच्चीस मीटर पर सेकेंड तो बड़े जेनविन से क्वेश्चन है ठीक है अब अगर तुम लोगों को याद आ रहा हो तो मैंने यहां पर ये लिखा था कि अगर तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है उस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को अगर तुम टाइम के साथ डिफरेंशिएशन उस इक्वेशन की शो कर दोगे तो तुम्हारे पास वेलोसिटी का डिपेंडेंस आ गया आ जाएगा टाइम के साथ उसी तरीके से अगर तुम्हारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन है और फिर तुम उस इक्वेशन की इंटीग्रेशन कर देते हो टाइम के साथ तो तुम्हारे पास इक्वेशन आती है दैट हाउ इज द पोजिशन और हाउ इज द डिस्प्लेसमेंट शोन बाय द बॉडी डिपेंडिंग ऑन द टाइम जैसे कि ये देखो अब तुम्हारे पास यहां पर ये है दैट v इज इक्वल टू वन प्लस टी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करिए बिकॉज वी आर मूविंग वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ठीक है तो क्वेश्चन ये है व्हाट इज द डिस्टेंस बाय द बॉडी इन फर्स्ट टू सेकंड्स फर्स्ट टू सेकंड्स का मतलब क्या टाइम इज इक्वल टू जीरो से लेके टाइम इज इक्वल टू टू सेकंड तक हम लोगों को इसके बारे में टिप्पणी करनी है तो अभी अगर मैं वेलोसिटी को देखूं तो देखो ना वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव समझना मुझे स्टडी करना है सिर्फ जीरो से लेके दो सेकेंड तो स्टडी करो टाइम इज इक्वल टू जीरो सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो वैल्यू आ गई एक मीटर पर सेकेंड अगर मैं टाइम इज इक्वल टू वन सेकेंड की बात करूँ तो वैल्यू आ गई दो मीटर पर सेकेंड अगर मैं बच्चों टाइम इज इक्वल टू दो सेकेंड की बात करूँ तो वैल्यू आ गई तीन मीटर पर सेकेंड मैं बोलना ये चाहती हूँ बॉडी इज ऑलरेडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट इज नॉट टर्निंग बैक हाउ डू आई नो इट इज नॉट टर्निंग बैक आई नो दिस इज कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव तुम समझो ना अगर मैं पॉजिटिव की डायरेक्शन में मूव करूँ तो विलॉसिटी पॉजिटिव है मेरी अगर मैं नेगेटिव की डायरेक्शन में मूव करूंगी तो मेरी विलॉसिटी नेगेटिव है तो वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन तो ऑब्वियसली बात है बॉडी लाइन में ही मूव कर रही है लेकिन अगर बॉडी मान लो अगर मान लो वेलोसिटी नेगेटिव है बट इट इज कॉन्स्टेंटली नेगेटिव मतलब बॉडी कंटिन्यूअसली नेगेटिव की डायरेक्शन में ही मूव करती जा रही है कभी कभी धीरे चलेगी कभी कभी तेजी से चलेगी लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हुआ है सो so, जब तक डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा एंड दी बॉडी हैज़ मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट विदाउट टर्निंग बैक इन अ लाइन तो यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट आ जाता है वही चीज़ मैं अभी यहाँ पर देख पा रही हूँ दैट दी वेलोसिटी कि यहाँ पर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन तो है ठीक है वो तो हमारे चैप्टर का ही नाम है कि यहां पर जो मोशन है स्ट्रेट लाइन में है ठीक है

क्योंकि तो क्वेश्चन तो ये था ना कि डिस्टेंस निकालो तो हम डिस्टेंस थोड़ी निकाल सकते हैं ऐसी इक्वेशन से हम तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं अभी मैंने तुम्हें बताया था कि जब तुम्हारे पास एक ऐसी इक्वेशन आई विच टाइम इसकी इंटीग्रेशन करने से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आती है तो मैं यहाँ से सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकाल सकती हूँ वो तो वी गॉट लकी दैट बॉडी वॉज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही तुम्हें ये वाले केस में क्या दे देगा डिस्टेंस दे देगा तो आप फोकस करते हैं डिस्प्लेसमेंट को निकालने में तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन तुम्हारे पास कब आएगी जब तुम वेलोसिटी वाली इक्वेशन की इंटीग्रेशन कर दोगे टाइम के साथ तो वेलोसिटी वाली इक्वेशन की इंटीग्रेशन कर दोगे टाइम के साथ इसका मतलब तुम्हें 1 प्लस t की इंटीग्रेशन करनी है टाइम के साथ वैल्यू आ गया टी प्लस टी स्क्टर डिवाइडेड बाई टू ठीक है अब तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट तुम लोग निकाल रहे हो टाइम इज इक्वल टू जीरो से टाइम इज इक्वल टू दो सेकेंड के बीच में तो वैल्यू कितनी आ गई वैल्यू आ गई टू माइनस जीरो प्लस टू का स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू मीटर यही इसने तुम लोगों को क्या दे दिया डिस्प्लेसमेंट दे दिया जो टाइम टाइम इज इज इक्वल इक्वल टू टू से equal to 2 second के बीच में आ रहा है गौर फरमाइएगा ये देखो ये आ गया तुम्हारे पास वैल्यू तो बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक तो इसी का माग्निट्यूड तुम्हें डिस्टेंस दे देगा ठीक है जितने क्वेश्चन उतनी क्लैरिटी जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है कि वेलोसिटी टाइम के ऊपर ऐसे डिपेंड कर रही है सो व्हाट इज स्पीड ऑफ द बॉडी इन द फर्स्ट सेकंड दिस इज योर क्वेश्चन व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इन द फर्स्ट सेकेंड तो स्पीड मैंने देखा मैं दोबारा से घबरा गई कि यार ये क्या पंचायत है एवरेज वेलोसिटी अगर पूछा होता तो ठीक है हम डिस्प्लेसमेंट के ऊपर फोकस करके आंसर निकाल लेते अब एवरेज स्पीड डिपेंड करती है डिस्टेंस के ऊपर बट देर इज वन गुड थिंग दैट आई एम एबल टू सी एंड इज दैट कि अगर मैं एवरेज uh, स्पीड निकाल रही हूँ फर्स्ट सेकेंड के लिए मतलब मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर रही हूँ टाइम इज इक्वल टू जीरो से लेके टाइम इज इक्वल टू वन सेकेंड के बीच का टाइम इंटरवल ठीक है तो अगर मैं मान लो वेलोसिटी को टाइम इज इक्वल टू जीरो पे रखूं तो वैल्यू है जीरो मीटर पर सेकंड उसी तरीके से अगर मैं वेलोसिटी को टाइम इज इक्वल टू वन के ऊपर रखूं तो वैल्यू मेरे पास पांच मीटर पर सेकेंड तो तुम देख पा रहे हो बॉडी हैज कॉन्स्टेंटली मूव इन पॉजिटिव डायरेक्शन तुम देख पा रहे हो बॉडी पहले रेस्ट के ऊपर थी नाउ इट इज कॉन्स्टेंटली मूविंग इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन हाँ उसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव डायरेक्शन में है बॉडी कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव की डायरेक्शन में मूव कर रही है तो आई कैन से बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन और आई कैन से मोशन

निकालो डिस्प्लेसमेंट निकालो तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कैसे आएगी जब तुम वेलोसिटी की इक्वेशन की इंटीग्रेशन कर दोगे टाइम के साथ इंटीग्रेशन कर दो ये वाली वैल्यू आगे तुम्हारे पास टी प्लस टी अब तुम कौन सा डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो तुम वो डिस्प्लेसमेंट मतलब तुम्हें कौन सा डिस्टेंस चाहिए जो जीरो से एक सेकेंड के बीच में है तो तुम कौन सा डिस्प्लेसमेंट निकालोगे वो डिस्प्लेसमेंट निकालोगे जो जीरो से लेके एक के बीच में है तो तुम्हारे पास आएगी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आगे तुम्हारे पास दो मीटर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आगे दो मीटर डिस्टेंस की वैल्यू आ गई दो मीटर तो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है दो मीटर का एवरेज स्पीड हम निकाल रहे हैं जीरो से लेके वन सेकेंड के बीच में तो व्हाट इज द टाइम इंटरवल टाइम इंटरवल की वैल्यू कितने यहाँ पर एक सेकेंड आंसर आ गया दो मीटर पर आई रिपीट ताकि किसी बच्चे को लास्ट वाले स्टेप में दिक्कत ना हो क्योंकि यहां तक तो हम लोगों ने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी करा था एक टाइम इंटरवल के लिए डिस्टेंस निकालना तो इफ बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक वेलोसिटी की इक्वेशन की इंटीग्रेशन कर दो टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ जाएगी दो टाइम इंटरवल्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकाल लो उसी का मैग्नट्यूड तुम्हें डिस्टेंस दे देगा अब की बात ये वाले क्वेश्चन में एक एडेड क्वेश्चन था कि तुमसे ये नहीं पूछा था व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल तुमसे अब एवरेज स्पीड पूछा हुआ था एक टाइम इंटरवल के लिए तो तुम लोगों ने डिस्टेंस निकाला उस टाइम इंटरवल में डिवाइड कर दिया टाइम ऑफ दैट टाइम इंटरवल से तो तुम्हारे पास एवरेज स्पीड की वैल्यू आ गई तो ये वाली ये किसकी वैल्यू आई है ये तुम्हारे पास एवरेज स्पीड की वैल्यू आई है ऑब्वियस सी बात है दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी बिकॉज डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट बिकॉज डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ठीक है अब आगे नाउ वी टॉक्ट अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जिसके ऊपर बेस्ड था स्पीड एंड वेलोसिटी अब हम लोग एक्सिलेशन के बारे में बात करेंगे तो एक्सिलेशन बेसिकली इंस्टेंटेनियस के ऊपर डिपेंड करता है जैसे कि आई कैन से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट शोन बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम उसी तरीके से एक्सिलेशन इज बेस एक्सिलरेशन बेसिकली गिव्स अस कि बॉडी की वेलोसिटी बॉडी बो, की स्पीड किस तरीके से चेंज हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में सो इट गिव्स अस द मेजर ऑफ हाउ वेलोसिटी इज चेंजिंग अब वो वेलोसिटी बच्चों कैसे भी चेंज हो अब चाहे वो वेलोसिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड की टर्म्स में चेंज हो ठीक है सिर्फ डायरेक्शन की टर्म्स में चेंज हो या फिर दोनों की टर्म्स में चेंज हो किसी भी तरीके का अगर तुम वेलोसिटी में चेंज लेके आ रहे हो मतलब वहां पर एक्सेलरेशन आया है तो एक्सेलरेशन क्या करता है वेलोसिटी को चेंज करता है जैसे कि वेलोसिटी क्या करता है बॉडी की पोजिशन को चेंज करके डिस्प्लेसमेंट लेके आता है तो विलॉसिटी इज अ वेक्टर चेंज इन वेलॉसिटी इज अ वेक्टर रेट ऑफ चेंज ऑफ विलॉसिटी इज ऑल्सोर ठीक है तो धीरे धीरे एक्सिलरेशन को समझेंगे उससे पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ द दरेशन जैसे कि अभी तक एक चीज तो गिवन है कि एक्सीलरेशन क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी होगा तो एक बार जरा सा सोच के देखो वेलोसिटी वाज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम सो वेलोसिटी वाज ऑलवेज इन द द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वाज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन पोजीशन सेम चीज यहां पर है

ई कैन सी इसकी जो डायरेक्शन होगी इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन विन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन विज सुनने में एक बात है एक्चुअली में इसको विजुअलाइज करना इज कम्पलीटली डिफरेंट थिंग सो लेट इस अब यहाँ पर जो मैंने व्हाइट एरोज यूज किए हैं व्हाइट एरो की हेल्प से मैं वेलोसिटी वेक्टर को डिपेक्ट कर रही हूँ जैसे कि मान लो पहले यहाँ पर बॉडी दो मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही थी अब बड़ा एरो है मतलब अब वो दो मीटर पर सेकेंड से ज्यादा स्पीड से मूव कर रही है जैसे कि दो मीटर पर सेकेंड चार मीटर पर सेकेंड या दो मीटर पर सेकेंड पांच मीटर पर सेकेंड ऐसे तो तुम यहाँ पर देखो ना मोशन इज बींग सपोर्टेड इन दिस डायरेक्शन मोशन इज बिंग सपोर्टेड इन दिस डायरेक्शन इट इज लाइक पहले तुम्हारे पॉजिटिव दो मार्क्स आ रहे थे अब तुम्हारे पॉजिटिव पांच मार्क्स आ रहे हैं तो तुम्हारा मार्क्स में इंक्रीज आया है तुम्हारा आई कैन से योर योर मार्क्स मार्क्स आर आर गेटिंग मोर पॉजिटिव सपोर्टेड इन डायरेक्शन तो यहाँ पर विलोसिटी पॉजिटिव की डायरेक्शन में सपोर्ट क्यों हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो एक्सीन है वो पॉजिटिव की डायरेक्शन में वो क्या है वो पॉजिटिव की डायरेक्शन में

दैट द मोशन इज नॉट सपोर्टेड इन द नेगेटिव डायरेक्शन इट इज़ लाइक पहले तुम्हारे नेगेटिव पांच मार्क्स आ रहे थे फिर तुम्हारे नेगेटिव दो मार्क्स आ रहे हैं देन आई कैन से इंक्रीज इन मार्क्स आर नॉट सपोर्टेड इन द नेगेटिव डायरेक्शन इसका मतलब यार कि तुम्हारे अंदर जो इंक्रीज इन मार्क्स आए वो पॉजिटिव के डायरेक्शन में आए तुम माइनस पांच से लेकर माइनस दो तक गये हो ना तो तुम्हारे अंदर जो मार्क्स का इंक्रीज आया वो पॉजिटिव तीन से आया है तो यहाँ पर वही बात तो है कि यहाँ पर जो मेरे पास जो बॉडी है बॉडी नेगेटिव की डायरेक्शन में मूव कर रही है लेकिन नेगेटिव की डायरेक्शन में उसका मोशन नहीं सपोर्ट हो रहा है पॉजिटिव की डायरेक्शन में उसका मोशन सपोर्ट हो रहा है तो पॉजिटिव की डायरेक्शन में मोशन सपोर्ट हो रहा है इसका मतलब क्या इसका मतलब ये एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है

बॉडी पॉजिटिव की डायरेक्शन में मूव करिए लेकिन पॉजिटिव की डायरेक्शन में उसका मोशन रेजिस्ट हो रहा है मतलब नेगेटिव की डायरेक्शन में उसका मोशन सपोर्ट हो रहा है तो यहाँ पर जो एक्सिलेशन आया acceleration आया ऐसे तो तुम देख पा रहे हो किस तरीके से एक्सिलेशन यहाँ पर नेगेटिव है नीचे वाला केस देखो यहाँ पर बॉडी नेगेटिव की डायरेक्शन में मूव करी और नेगेटिव की डायरेक्शन में ही उसका मोशन सपोर्ट हो रहा है तो आई कैन से यहाँ पर जो एक्सिलरेशन है एक्सिलरेशन भी नेगेटिव की डायरेक्शन में तो यहाँ पर एक्सिलरेशन आ गया नेगेटिव

यहाँ पर ये वाले केस में जो बॉडी है इट वॉज स्पीडिंग अप है कि नहीं उसी तरीके से आई कैन से ये वाले केस में बॉडी वॉ स्पीडिंग अप वर गँग गँग? दे स्पीडिंग अप अप दे वर स्पीडिंग बिकॉज जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी उसी डायरेक्शन में मोशन भी सपोर्ट हो रहा था जैसे कि तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो वेलोसिटी थी वेलोसिटी भी पॉजिटिव थी एक्सिलेशन भी पॉजिटिव आ गया मतलब बॉडी मूव करिए पॉजिटिव डायरेक्शन में और उसका मोशन भी सपोर्ट हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ पर जो वेलोसिटी है तुम्हारे पास नेगेटिव थी एक्सेलरेशन भी नेगेटिव आ गया मतलब बॉडी मूव कर रही है नेगेटिव डायरेक्शन में और उसका मोशन भी नेगेटिव की डायरेक्शन में सपोर्ट हो गया उसी तरीके से अभी अगर मान लो मैं ये वाले केस की बात करूं ठीक है या फिर बच्चों अगर मैं ये वाले केस की बात करूं तो यहाँ पर देखना यहां पर वेलोसिटी तुम्हारे पास पॉजिटिव की डायरेक्शन में थी एक्सिलरेशन आया डायरेक्शन में इसका मतलब की डायरेक्शन में एक्सिलरेशन है पॉजिटिव की डायरेक्शन में तो बॉडी मूव कर रही थी नेगेटिव की डायरेक्शन में मोशन सपोर्ट हो गया पॉजिटिव की डायरेक्शन में बात तो है रुकेगी क्यों नहीं रुकेगी ठीक है यहां से ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि दिस वाइट इज बेसिकली शोइंग या फिर मैं यहाँ पर ये बता देती हूँ दिस इज स्पीडिंग अप अप स्पीडिंग एंड दिस इज़ स्पीडिंग डाउन ऐसे लिखते हैं ना स्पीडिंग अप स्पीडिंग डाउन तो स्पीडिंग अप का मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऐसा नहीं होता है स्पीडिंग अप का मतलब जिस डायरेक्शन में विलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ठीक है, स्पीडिंग डाउन का मतलब जिस डायरेक्शन में velocity है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में acceleration है, या फिर जिस में में है है है। उसके opposite में जो motion है, वो हो हो रहा है। ये चीज़ अभी से clear हो जाने चाहिए, और आएगी हम लोग जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे अब देखो वेलोसिटी एंड स्पीड वर गिविंग बॉडी जैसे कि can, uh, है ना, उसी तरीके से वेलोसिटी की बात करूं वेलोसिटी वाज गिविंग अस द डिस्प्लेसमेंट दैट द बॉडी इज शोइंग पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन इज रिलेटेड टू द चेंज इन वेलोसिटी तो अभी वो चेंज इन वेलोसिटी अगर तुम एक इंस्टेंट के लिए डिफाइन कर रहे हो दैट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में बॉडी में जो बॉडी बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज आया है पर यूनिट टाइम वो उसकी उसका जो वैल्यू uh, होगा दैट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सिलेशन बिकॉज वी आर डिफाइनिंग इट फॉर एन इंस्टेंट ऑफ टाइम फॉर एन इंस्टेंट ऑफ टाइम तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए वॉट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट यू आर एबल टू ऑब्जर्व दैट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सिलेन एवरेज एक्सेलरेशन बच्चोंड इट इज रिलेटेड टू अ टाइम इंटरवल कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना चेंज इन विलोसिटी तुम लोग देख पाए हो डिड बाई दिसल बड़ा बेसिकसा है ठीक है लेट अस डू सम क्वेश्चंस ऑन एक्सेलरेशन ताकि इससे और बेटर क्लेरेंस आए फिर हम लोग ग्राफ्स करेंगे उससे और बेटर क्लेरेंस आएगी फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे मोशन अंडर द ग्रेविटी को कंसीडर करते हुए वहां से और क्लेरेंस आएगी ठीक है इतना बोर हो रहा रहागा <laughs> इतना बोर हो रहा मैं ये सोच रही थी कि शाम को 6 बजे डाल दूं अब मतलब शाम को छह बजे लाइव क्लास ले लूँ बट फिर तुम तुम लोग मेरे दिमाग में आ गए कि छः बजे अगर बच्चे मान लो देखते हैं लेक्चर आराम से आठ बजे तक चलेगा फिर आठ बजे के बाद उसको उनको कितना ही टाइम मिलेगा कि वो डीपीपी भी सॉल्व करें और फिर जो कल हमारी सुबह सात बजे क्लास है मोशन इन प्लेन के ऊपर वो भी अटेंड करें तो इसीलिए मैं ये जल्दी मतलब अपलोड कर दूंगी चल ओके okay, बच्चों तो सब बच्चे वंस यू आर डन विद क्लास यू विल कम एट और अपनी अटेंडेंस मार्क कर दोगे कि ये वाला चैप्टर भी हम लोगों ने फिनिश कर दिया है क्वेश्चन इजी ईजी क्योंकि क्वेश्चन में ना साइनर्जी है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वही चलना है यहाँ पे क्वेश्चन देखना एक्सिलेशन की तुमसे ये पूछा हुआ वट इज दलोसिटी ऑफ बॉडी एट टाइम इज इक्वल टू वन सेकेंड एक्सेलरेशन देके वेलोसिटी पूछा हुआ है वेलोसिटी देके एक्सेलरेशन नहीं पूछा हुआ एक एक क्वेश्चन पहले वैसे वो वाला करना चाहिए था हमें रुको ना लेट इज डू वन क्वेश्चन सबसे पहले मैं ऐसा करती हूँ यहां पर वेलोसिटी लेती हूँ और एक्सेलरेशन निकालते हैं ठीक है यहां पर वेलोसिटी लेके लेटस कैलकुलेट दी एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन लेके ठीक है ये जरा सा देखिएगा, पहले वेलोसिटी की इक्वेशन दे दी एक्सेलरेशन पूछा हुआ है टाइम इज इक्वल टू वन सेकेंड के ऊपर और फिर बाद में एक्सेलरेशन की इक्वेशन देके, तुमसे ये पूछा हुआ है व्हाट इज दाइम इज इक्वल टू वन सेकेंड इफ द इनिटी वॉज नेगेटिव टेन मीटर पर सेकेंड दिस इज द्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन पहले ये वाले क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं वेलोसिटी की इक्वेशन दे दी एक्सेलरेशन पूछा हुआ है टाइम इज इक्वल टू वन सेकंड पे बड़ा इजी है एक्सेलरेशन कैसे आएगा जब तुम वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन कर दोगे बच्चों टाइम के साथ ठीक है तो अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो तुम्हारे पास डिफरेंशिएशन करके आया थ्री माइनस एक बार जरा सा देखिए एक्सेलरेशन आ गया तुम्हारे पास बच्चों तो अभी मैं हाँ पर लिख सकती हूँ ना कि की आई वैल्यू आ गई माइनस पांच मीटर पर सेकेंड ठीक है कि इफ ये acceleration की इक्वेशन तुम्हें दे दी दिस इज नॉट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो एक्सिलरेशन की इक्वेशन देके इनिशियल वेलोसिटी देके अब तुमसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है ठीक है अब तुमसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है दैट इज इज द ऑफ बॉडी एट टाइम इक्वल टू तो अभी बच्चों थोड़ा सा मतलब याद करूँ मैंने जो तुम्हें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में बताया था वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को लेके वही चीज अभी यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी और एक्सिलरेशन को लेके उसी तरीके से अगर तुम विलोसिटी की अगर उसी तरीके से मान लो अगर की इक्वेशन की इंटीग्रेशन कर देते हो ना टाइम के साथ तुम्हें, नहीं मिलेगा। तुम्हें चेंज इन विलोसिटी मिलेगा जैसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसकी ठीक है इंटीग्रेशन कर देंगे टाइम इज इक्वल टू वन सेकेंडपुट कर देंगे आंसर आ जाएगा नहीं आंसर नहीं आएगा तुम्हें यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखना है कि वंस यू आर इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन ऑफ द एक्सेलरेशन विद टाइम दैट गिव्स यू द चेंज इन वेलोसिटी यहां पर तुम्हें क्या आएगा यहाँ पर तुम्हें बच्चों चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा समझे तो अब यहाँ पर आ जाइए लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया कि भाई देखो चेंज इन वेलोसिटी इज गोइंग टू बी गिवन बाय जब मैं एक्सेलरेशन की इक्वेशन की इंटीग्रेशन कर दूं टाइम के साथ ठीक है तो इंटीग्रेशन अभी मान लो अगर मैं कर देती हूँ तो मेरे पास कितना आ आ गया गया मेरे पास डिवाइडेड डिवाइडेड प्लस एक बार जरा सा देखिए यही इक्वेशन मेरे पास बन रही है मैंने सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन करा और कोई रॉकेट साइंस मैंने यहाँ पर अप्लाई नहीं करी है एक बार जरा सा देख लो ठीक है अब तुम चेंज इन वेलोसिटी निकाल रहे हो टाइम इज इक्वल टू जीरो से लेके

तो बिल्कुल ध्यान से देखना मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं इस्तेमाल करी है एक्सिलेशन की इक्वेशन थी इंटीग्रेट कर दिया उसको टाइम के साथ चेंज इन वेलॉसिटी दे देगा तो अगर तुम चेंज इन वेलॉसिटी भी निकालो ना तो चेंज इन वेलॉसिटी तुम्हारे पास ही आगे

इनिशियल वेलोसिटी दस है चेंज इन वेलोसिटी थ्री बाई टू प्लस फोर बाय थ्री है ऐसे भी कर सकते थे दोनों में तुम्हें सेम आंसर आएगा यहां पर जो वैल्यू ऑफ वी आया है वही तुम्हारे पास वैल्यू ऑफ वी यहां पर भी आ जाना है ठीक है आगे बढ़ते हुए अभी जितना कुछ भी हम लोगों ने डिस्कस किया है इसी के ऊपर बिल्ड करते हुए अभी हम लोग ग्राफ्स करेंगे मतलब बिल्कुल जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव अभी तक बात हुई है वही बात यहाँ पर ग्राफ्स में भी हो जानी है ठीक है सो लाइक कर देंगे इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक like नहीं किया है तो एंड लेट इस टॉक अबाउट ग्राफ्स तो ग्राफ क्या है ग्राफ इज बेसिकली जब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है तो कैसे डिपेंड कर रही होती है अगर मुझे उसको डायग्राम की फॉर्म में पुट करना हो तो मुझे एक ग्राफ मिल जाएगा अब ग्राफ अभी हमारे पास ग्राफ से रिलेटेड दो चीजें हैं एक तो है बच्चों स्लोप दूसरा मतलब एक तो है हमारे पास स्लोप और दूसरा है हमारे पास एरिया तो एक तो क्वेश्चन आते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ दूसरे क्वेश्चन आते एरिया अंडर द ग्राफ तो मान लो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट आ गया वाई एक्सेस पे टाइम आ गया एक्स एक्सेस पे तो स्लोप क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स

और उसी तरीके से जब जब तुम फोर्स के इंटीग्रेशन करते हो डिस्टेंस के साथ तब तुम्हें वर्क डन मिलता है तो अब तुम सोचो कि अगर तुम वेलोसिटी की इंटीग्रेशन टाइम के साथ कर दो तुम्हें क्या मिलेगा पोजीशन नहीं मिलेगा चेंज इन पोजीशन मिलेगा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा तो आई कैन से एरिया अंडर यू द चेंज इन पोजिशन उसी तरीके से अगर मैं टाइम ग्राफ की बात करूं तो जब तुम एक्सिलरेशन की इंटीग्रेशन करते हो टाइम के साथ तो तुम्हें क्या मिलता है अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल करके हटे हैं तुम्हें चेंज इन वेलोसिटी मिलता है तो एरिया अंडर टाइम ग्राफ विल नॉट गिव यू द वेलोसिटी इट विल गिव यू द चेंज इन वेलोसिटी तो सबसे पहले स्लोप के ऊपर फोकस करेंगे फिर एरिया के ऊपर फोकस करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं दोनों को कवर करते हैं तो यार ये स्लोप जान लो मतलब स्लोप को हमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना है हमें यहाँ पर इस लेक्चर को बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर नहीं बनाना है तो बिल्कुल लीनियन टर्म्स में तुम्हें समझाते हो स्लोप की होती है दो चीजें एक होता है मैग्नीट्यूड एक होता है साइन मैग्नीट्यूड स्टीपनेस से पता लगेगा स्टीपनेस एज इन की मान लो अगर तुम्हारे पास इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन है ठीक है और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे है तो तुम यहां से अगर गिरोगे तो ज्यादा चिल्लाओगे क्यों क्योंकि तो तुम बिल्कुल ऐसे बिल्कुल फिसलते फिसलते चले गए अगर मैं ये वाले स्लोप की बात करूं तो इतने ज्यादा चिल्लाते चिल्लाते नहीं जाओगे क्योंकि इतनी ज्यादा स्टीपनेस नहीं थी तो जितनी ज्यादा फिसलन उतनी ज्यादा स्टीपनेस जितनी ज्यादा स्टीपनेस उतना ज्यादा मैग्निट्यूड फिर दूसरा आ जाता है साइन तो देखो स्लोप हम ग्राफ के निकाल रहे हैं ग्राफ हमें ये बताता है कैसे एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है तो अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाए स्लोप पॉजिटिव है या एक क्वांटिटी के डिक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज कर जाए तो स्लोप पॉजिटिव है लेकिन अगर एक क्वांटिटी के डिक्रीज करने से दूसरा इंक्रीज करे या फिर एक क्वांटिटी के इंक्रीज करने से दूसरा डिक्रीज करे तो फिर मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरे पास जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा द अदर वे ऑफ पुटिंग दिस इज कि अगर तुम्हारे पास स्लोप एंगल एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव है स्लोप एंगल ऑप्टिज है तो स्लोप नेगेटिव है तो मैं तुम्हें ये बता ही नहीं सकती जब तक मैं ग्राफ्स ना लेके हूँ तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्राफ्स एज वेल एज द ग्राफ्स ऑफ द कानोमैटिक इक्वेशंस और आई कैन से कानामेटिक साइमल्टेनियसली तो अभी मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ले रही हूँ तो तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही तो अगर मान लो बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज ही नहीं होगी तो आई कैन से दैट द बॉडी इज एट रेस्ट बॉडी रेस्ट पे है या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है या मैं बोल सकती हूँ वेलोसिटी का मैग्निटूड जीरो है और स्लोप का मैग्नीट्यूड हमें कैसे पता लगता है स्टीपनेस से तो कहाँ पर फिसलन थी भाई यहाँ पे अगर तुम यहाँ पर, तो पर बैठ जाओगे तो ऐसे ही बैठे रहोगे रो, नहीं फिसलोगे अगर तुम मान लो यहाँ पर बैठ जाओगे तो ऐसे ही बैठे रहोगे नहीं फिसलोगे सो देर इज जीरो स्टीपनेस देखिए जरा सा स्टीपनेस यहाँ पर क्या है स्टीपनेस यहाँ पर जीरो है तो स्लोप यहाँ पर क्या है स्लोप जीरो है

बाकी अगर मैं स्लोप एंगल की बात करूँ तो ये जो थीटा है बच्चों दिस इज दी स्लोप एंगल स्लोप एंगल हम लोग कैसे देखते हैं स्लोप एंगल इज द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन द पॉजिटिव एक्स एक्सेस एंड दी लाइन जिसकी हेल्प से तुम लोग स्लोप को डिफाइन कर रहे हो जैसे कि दिस इज दी स्लोप एंगल तो तुम देख पा रहे हो ना कि जो स्लोप एंगल है वो तुम्हारे पास एक्यूट है स्लोप एंगल एक्यूट है इसका मतलब जब एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी जैसे कि टाइम डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज करेगा फिर जब एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी दूसरी वाली क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी तो आई कैन से यहाँ पर जो स्लोप है पॉजिटिव है वन वे ऑफ डिफाइनिंग इट इज वेन वी आर इंक्रीजिंग द टाइम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज बिकमिंग मोर पॉजिटिव और दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग द अदर वे ऑफ पुटिंग इट इज कि यहाँ पर जो मेरे पास स्लोप एंगल है स्लोप एंगल मेरे पास क्या है एक्यूट है तो स्लोप एंगल एक्यूट है तो आई कैन से स्लोप भी पॉजिटिव है स्लोप पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है तो आई कैन से स्लोप इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव सेम चीज समझ आ जाएगी नीचे वाले से अभी पर से तो यहां पर देखो स्लोप दोबारा से कांस्टेंट है स्लोप तो कांस्टेंट ही है ना यहां पर बैठोगे फिसलन ये है यहां पर बैठोगे फिसलन ये है यहां पर बैठोगे फिसलन ये, बैठो ये है तो फिसलन नहीं चेंज हो रही तो ये बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एक बार बस ये सारे ग्राफ्स का एक्सप्लेनेशन सुन लेना ठीक है स्लो एंड स्टडी वेंस द रेस अभी अगर मैं ये वाले ग्राफ की बात करू तो फिसलन तो सेम है यहाँ पर भी सेम फिसलन यहाँ पर भी सेम फिसलन यहाँ पर भी सेम फिसलन तो अगर फिसलन सेम है तो आई कैन से स्लोप का मैग्नीट्यूड सेम है स्लोप का मैग्नीट्यूड सेम है तो आई कैन से कि वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहेगा इसका मतलब वेलोसिटी मैग्नीट्यूड की टर्म्स में नहीं चेंज करेगा दूसरी अभी अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव की टर्म्स पे बात करूं तो तुम देखो ना टाइम इंक्रीज करते जा रहे हो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है टाइम और, और, और इंक्रीज कर दिया डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट और 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 डिक्रीज डिक्रीज हो हो गया गया टाइम इंक्रीज कर दिया यहां से मुझे पता लग गया नेगेटिव स्लोप है दूसरी चीज अगर मैं स्लोप एंगल की टर्म्स में अगर बताना चाहूँ तो स्लोप एंगल क्या होता है स्लोप एंगल स्मॉलेस्ट एंगल है एक बार जरा सा देखना बच्चों स्लोप एंगल हमारा स्मॉलेस्ट एंगल है टन ऑफ ऑप्टिव एंगल निगेटिव देता है तो स्लोप तुम्हारा नेगेटिव होगा दैट इज वे ऑफ फुटिंग इट तो यहाँ पर आई कैन से विलोसिटी कॉन्स्टेंट है और क्या है नेगेटिव है और समझ आ जाएगा तुम लोगों को यहां से यहाँ पर जो बॉडी की पोजिशन टाइम के साथ ऐसे चेंज कर रही है फिर ऐसे चेंज कर रही है फिर ऐसे चेंज कर रही है सो आई एम जस्ट सिंपली गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ तुम लोग मतलब दोबारा से टेन सेकेंड्स बिफोर ट्वेंटी करके दोबारा मत सुनना इन तीनों का एक्सप्लेनेशन सुनोगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा मान लो अभी अगर मैं ये वाले ग्राफ की बात करूँ तो सिर्फ अभी मैं एक डिस्टिंक्शन लिख देती हूँ मैग्नेट्यूड को मैग्नेट्यूड के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे ब्लू में ठीक है और हम लोग साइन के ऊपर फोकस कर लेंगे जरा सा हम लोग ग्रीन में उसी फॉर्म में फिर बाद में यहाँ पर मैं हाईलाइट भी कर दूंगी ठीक है तो अभी बच्चों अगर मैं बच्चोंट्यूड की टर्म्स में बात करूं तो मैग्नेट मैग्नेट्यूड मुझे से पता लगता है फिसलन से पता लगता है तो यहाँ पर स्टीपनेस थी ऐसे यहाँ पर स्टीपनेस है ऐसे यहाँ पर स्टीपनेस है ऐसे स्टीपनेस टेंजेंट से पता लगती है यहाँ पर तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ थे तो स्लोप कॉन्स्टेंट थी यहाँ पर तो स्लोप चेंज हो रही है ना यहाँ पर फिसलन चेंज हो रही है कि अगर ये वाले पॉइंट पे अगर मुझे फिसलन बतानी हो तो मैं यहाँ पर टेंजेंट बनाऊंगी अगर मुझे ये वाले पॉइंट पे फिसलन बतानी हो तो मैं यहाँ पर टेंजेंट बनाऊंगी अगर मुझे ये वाले पॉइंट पे फिसलन बतानी हो तो मैं यहाँ पर टेंजेंट बनाऊंगी तो तुम देखो ना जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है स्टीपनेस कम होती जा रही है पहले ज्यादा फिसलन थी फिर कम फिसलन हो गई फिर और कम फिसलन हो गई फिर और कम फिसलन हो गई

स्टीपनेस ये वाली लाइन बता रही है यहां पर तुम्हारे पास स्टीपनेस ये वाली लाइन बता रही है यहाँ पर तुम्हारे पास स्टीपनेस ये वाली लाइन बता रही है साइन की बात करूं तो यार तुम जरा सा देखो एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है टाइम इंक्रीज किया डिस्प्लेसमेंट बढ़ा टाइम और इंक्रीज किया डिस्प्लेसमेंट और बढ़ा टाइम और इंक्रीज किया डिस्प्लेसमेंट और बढ़ा तो साइन होना चाहिए पॉजिटिव सो वेलोसिटी है पॉजिटिव जिसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है समझो

और क्लियर हो जाएगा नीचे वाले से अब यहाँ पर जरा सा देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड की टर्म्स में बात करते हैं तो स्टीपनेस देखो पहले स्टीपनेस बच्चों ये थी ठीक है फिर स्टीपनेस तुम्हारे पास ये आ गई फिर स्टीपनेस तुम्हारे पास ये आ गई स्टीपनेस इंक्रीज हो रही है ना फिसलन इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही पहले तो मैं ऐसे फिसल रहे थे ठीक है फिर तुम ऐसे फिसल रहे थे फिर तुम ऐसे फिसल रहे हो फिर तुम ऐसे फिसल रहे हो फिसल तो फिसलन इंक्रीज हो रही है ना तो अगर मान लो फिसलन इंक्रीज हो रही है तो आई कैन से मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग तो आई कैन से यहां पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ दिलोसिटी है वो क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है वाई बिकॉज स्टीपनेस इज इंक्रीजिंग यहाँ पर स्टीपनेस ये है यहां पर स्टीपनेस बच्चों ये है यहां पर स्टीपनेस तुम्हारे पास ये है अगर मैं साइन की बात करूं तो टाइम इंक्रीज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है देखो टाइम इंक्रीज हुआ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ और टाइम इंक्रीज हुआ और डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ और टाइम इंक्रीज हुआ और डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो गया तो आई कैन से साइन क्या है साइन मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव आ गया इसका मतलब वेलोसिटी क्या है इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है उसका मैग्निट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो आई कैन से वेलोसिटी इज़ बिकमिंग मोर पॉजिटिव मतलब बॉडी पॉजिटिव की डायरेक्शन में मूव कर रही है और उसका मोशन भी पॉजिटिव की डायरेक्शन में सपोर्ट हो रहा है तो यहाँ पर एक्सिलरेशन क्या आ गया एक्सिलेशन आ गया पॉजिटिव सेम चीज समझो अभी ये वाले डायग्राम ये वाले ग्राफ की हेल्प से बेटर क्लियरेंस आएगा अब सबसे पहले मैग्नीट्यूड के ऊपर फोकस करेंगे तो मैग्नीट्यूड स्टीपनेस से पता लगता है ना तो तुम देखो ना पहले फिसलन तुम्हारे पास ये है फिर फिसलन तुम्हारे पास ये है फिर फिसलन तुम्हारे पास ये है फिर फिसलन तुम्हारे पास ये है 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 तो 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 फिसलन फिसलन डिक्रीज डिक्रीज हो हो रही रही ना अगर मैग्नीट्यूड शुड डिक्रीज देखो फिसलन अगर डिक्रीज हो रही है मैग्नीट्यूड तो शुड डिक्रीज सो आई कैन से दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी डिक्रीजेस ठीक है उसी तरीके से अभी अगर मैं साइन की बात करूं तो तुम देखो कि जब टाइम की वैल्यू इंक्रीज हुई डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हुआ टाइम की वैल्यू इंक्रीज हुई डिस्प्लेसमेंट और डिक्रीज हुआ टाइम की वैल्यू इंक्रीज हुई डिस्प्लेसमेंट और डिक्रीज हुआ तो यहां पर साइन क्या आ जाएगा साइन आ गया नेगेटिव इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव में है बॉडी इज मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन लेकिन इट इज स्पीडिंग डाउन मतलब पहले नेगेटिव पांच मीटर पर सेकेंड था फिर नेगेटिव तीन मीटर पर सेकेंड था फिर नेगेटिव दो मीटर पर सेकेंड था क्या तुम्हें यहाँ पर पता लगा कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एंड इट्स मैग्निट्यूड एंड इट्स मैग्निट्यूड इज डिक्रीजिंग तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ इसको मैं बोल सकती हूँ कि वेलोसिटी इज बिकमिंग लेस नेगेटिव तो बॉडी मूव कर रही है नेगेटिव की डायरेक्शन में लेकिन उसका मोशन नेगेटिव की डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट हो रहा है पॉजिटिव की डायरेक्शन में सपोर्ट हो रहा है तो ये तुम्हें पॉजिटिव एक्सलेशन दे रहा है समझे एक बार जरा सा देख लो तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में सिर्फ स्लोप इंपॉर्टेंट है यहां से जो क्वेश्चन आते सिर्फ और सिर्फ स्लोप के ऊपर आते और स्लोप तुम्हें क्या देत, दे देता है स्लोप यहाँ पर तुम्हें दे देता है. अब एक बार जरा सा हम लोग आ जा जाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप भी इंपॉर्टेंट है बच्चों और एरिया भी इंपॉर्टेंट है तो अभी मान लो अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप इसका क्या देता है स्लोप बच्चों एक्सिलेशन दे देता है स्लोप एक्सीन दे देता है उसी तरीके से एरिया हमें क्या दे देता है एरिया हमें चेंज इन पोजिशन दे देता है चेंज इन पोजिशन को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं अब पढ़ते हैं जरा सा इन ग्राफ को वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन नेगेटिव एट रेट देखो यहां पर वेलोसिटी नेगेटिव है या फिर अगर मान लो मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप यहाँ पर सबसे नंबर वन कांस्टेंट है देख लो स्ट्रेट लाइन है दूसरा यहाँ पर जो हमारा स्लोप है वो देखो कैसा है टाइम की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ये नेगेटिव में जाता जा रहा है टाइम की वैल्यू इंक्रीज हुई है और नेगेटिव में चला गया टाइम की वैल्यू इंक्रीज हो गई है और नेगेटिव में चला गया तो स्लोप यहाँ पर कॉन्स्टेंट है और नेगेटिव है तो मैं यहाँ पर ये यह बोल सकती हूँ कि यहाँ पर एक्सिलेशन कॉन्स्टेंट है और नेगेटिव है एक बार ये वाले ग्राफ के ऊपर डिस्कशन करूं तो अभी यहाँ पर अगर मैं स्लोप की टर्म्स में बात करूं तो तुम देख पा रहे हो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो स्लोप यहाँ पर कॉन्स्टेंट है टाइम की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वी की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है तो स्लोप क्या है स्लोप मेरे पास पॉजिटिव है मतलब यहाँ पर कॉन्स्टेंट पॉजिटिव एक्सिलेशन प्रेजेंट है द अदर वे टू डिफाइन इट इज इन दी टर्म्स ऑफ स्लो अगर मान लो मैं स्लोप एंगल की बात करू तो यहाँ पर जरा सा देखना बच्चों दिस इज द स्लोप एंगल

Is negative, लेकिन ध्यान से देखना जैसे जैसे टाइम इंक्रीज इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रही हूँ विच इज बिकमिंग एट अ कॉन्सेंट्रेट या फिर मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप यहाँ पर क्या है स्लोप यहाँ पर कॉन्स्टेंट है स्लोप यहाँ पर कॉन्स्टेंट है और स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव है मतलब यहाँ पर तुम्हारे पास एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट पॉज प्रेजेंट है तो पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या करता है या तो वेलोसिटी या मोर पॉजिटिव करता है तो एक्सीन यहाँ पर पॉजिटिव है तो आई कैन से दिस पॉजिटिव कॉन्स्टेंट एक्सीन इज मेकिंग

तो अगर सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप की बात करूं तो तुम जरा सा देखो पहले वाले केस में जो फिसलन है वो इंक्रीज होती जा रही है दूसरे वाले केस में जो फिसलन है वो डिक्रीज होती जा रही है तो आई कैन से यहां पर एक्सीलेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज कर रहा है यहां पर एक्सेलरेशन का जो मैग्नेट्यूड है वो डिक्रीज कर रहा है ये मुझे कहाँ से पता लगा ये मुझे स्टीपनेस से पता लगा स्टीपनेस ऑफ द स्लोप से पता लगा स्टीपनेस ऑफ द स्लोप से पता लगा स्टीपनेस ऑफ द टेंजेंट से पता लगा पहले इतना कम स्टीप था फिर ज्यादा स्टीप हो गया यहाँ पर पहले ज्यादा स्टीप था फिर कम हो गया तो ये मैग्नेट्यूड अभी उसी तरीके से अगर मैं साइन की बात करूं तो तुम यहां पर देख पा रहे हो टाइम की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ये भी इंक्रीज हो रहा है टाइम की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ये भी इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन यहाँ पर भी पॉजिटिव है उसी तरीके से यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर भी पॉजिटिव है ठीक है रुको 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 ठीक है एक्सेलरेशन एज यू ऑल कैन सी एक्सेलरेशन दोनों जगह पॉजिटिव है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है विच इज इंक्रीजिंग तो आई कैन से एक्सेलरेशन इज बिकमिंग मोर पॉजिटिव दूसरे वाले केस की बात करूं एक्सिलेशन पॉजिटिव है माइग्नेट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो इज बिकमिंग लेस पॉजिटिव बहुत बार रिपीट हो गया ठीक है अब थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं बच्चों इसकी और बेटर क्लियरेंस के लिए ठीक है लेट अस डू सम क्वेश्चंस जैसे कि मैंने तुम्हें ये बोला कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया मैंने तुम्हें दो बॉडी के लिए एक तो मेरे पास बॉडी ए है दूसरा बॉडी बी है स्लोप एंगल दोनों के गिवन है एज यू ऑल कैन से ये वाला जो स्लोप एंगल है इट इज इक्वल टू थर्टी डिग्री ये वाला जो स्लोप एंगल है इट इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री सो वॉट इज द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ द स्लोप तो ये आ जाएगा स्लोप जो हमारे पास ए का है डिवाइडेड बाई स्लोप जो यहाँ पर बी का है स्लोप टन थीटा सो दिस इज टैन थीटा ए बाई टन थीटा बी टैन थीटा ए आ गया तुम्हारे पास टन ऑफ थर्टी डिग्री

बॉडी इज मूविंग इन दॉजिटिव डायरेक्शन विदाउट टर्निंग बैक इन दॉजिटिव डायरेक्शन विदाउट टर्निंग बैक इसका मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू विदाउट एनी टर्न इसका मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट तो वेलॉसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया हमें क्या दे देता है एरिया हमें दे देता है डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग चेंज इन पोजिशन बोलते हैं एरिया नहीं निकालूंगे एरिया निकालिए आप ये सारे काम आप खुद से करेंगे तो यहां पर तुम्हें सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है ठीक है ये जरा सा देख लो ये वाला एरिया आ गया दिस गोइंग टू गिव यू डिस्प्लेसमेंट एंड सिंस बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक डिस्प्लेसमेंट ही तुम्हें यहां पर डिस्टेंस भी दे देगा ठीक है और बेटर क्लियरेंस आएगी एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो दोबारा से वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ देके तुमसे डिस्टेंस भी पूछा हुआ है और डिस्प्लेसमेंट भी पूछा हुआ है इन दी फर्स्ट टू फोर सेकंड मतलब तुम्हें टाइम इज इक्वल टू से टाइम इज इक्वल टू फोर तक जाना है लेकिन अब बार बात एज यू ऑल कैन सी वेलॉसिटी पॉजिटिव भी है वेलोसिटी नेगेटिव भी है मतलब बॉडी ने पॉजिटिव की डायरेक्शन में भी मूव किया है बॉडी ने नेगेटिव की डायरेक्शन में भी मूव किया है तो ये वाले केस में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नेट्यूड तुम्हें डिस्टेंस नहीं देगा तो तुम इंडिविजुअली स्टडी करो कि तुम क्या करो सबसे पहले ये वाले एरिया को निकालो मान लो ये वाला एरिया आ गया तुम्हारे पास ए वन ये वाला एरिया आ गया ए वन फिर तुम ऐसा करो कि फिर तुम ये वाला एरिया निकाल लो मान लो ये वाले एरिया की वैल्यू आगे तुम्हारे पास ए टू तो ए वन यू तो तुम सोचो ना जीरो से लेके फोर तक भले ही स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है विदाउट टर्निंग बैक लेकिन जीरो से लेके थ्री तक तो है ना जीरो से लेके थ्री तक बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक तो जीरो से लेके थ्री के लिए दिस इज दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इसका माग्निट्यूड तुम्हें डिस्टेंस देगा उसी तरीके से तीन से लेके तक अगेन लेन दॉडीज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक तो इसका ये जो ए टू है नेगेटिव में वो डिस्प्लेसमेंट है लेकिन इसका माग्निट्यूड तुम्हें डिस्टेंस दे देगा तो अगर मुझे पूरी की पूरी जर्नी के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये आ गया कि पहले जीरो से लेके तीन सेकंड के बीच में कितना पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट शो किया है फिर तीन से लेके चार सेकंड के बीच में कितना नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट शो किया है उसी तरीके से अभी अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी पहले जीरो से लेके तीन सेकंड के बीच में कितना डिस, डिस्प्लेसमेंट शो किया फिर बाद में तीन से लेके चार सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट शो किया लेकिन अब की बात वो उसके मैग्नेट्यूड के टर्म्स में आएगा सो द बॉडी इज नॉट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन जीरो से लेके चार सेकंड के बीच में बट इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन जीरो से लेके तीन सेकंड के बीच में और तीन से लेके चार सेकंड के बीच में तो ये वाले केस में जीरो से लेके तीन सेकंड के बीच में और तीन सेकेंड से लेके चार सेकेंड के बीच में द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट गिवस यू द डिस्टेंस जैसे कि ए वन का मैग्नीट्यूड ए वन आ गया पॉजिटिव ए टू का मैग्नीट्यूड ए टू आ गया ठीक है अब क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है दैट द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट बॉडी रेस्ट के से स्टार्ट करती है तुमसे ये पूछा हुआ है व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी तो पहले रेस्ट के ऊपर है फिर वो वेलोसिटी एक्वायर करिए मतलब एक्सेलरेशन है जब तक बॉडी एक्सेलेरेट करेगी तब तक वो वेलोसिटी में गेन आएगा तो एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स यू द चेंज इन वेलोसिटी तो एरिया निकालिए एरिया ने तुम्हें चेंज इन वेलोसिटी दे दिया देखो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया है इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वैल्यू कितने 20 तो आई कैन से कि वेलोसिटी चेंज हुई है 20 मीटर पर सेकेंड से इसका मतलब ये कि अगर इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारे पास जीरो मीटर पर सेकेंड थी बीस मीटर पर सेकेंड से चेंज आया है तो फाइनल वेलोसिटी आ गई बीस मीटर पर सेकेंड इसके बाद में मेंक्सिलेशन जीरो हो गया सो सो वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट आई कैन से जब तक बॉडी ने शो किया है टाइम इज इक्वल टू दस सेकेंड तक तब तक उसने वेलोसिटी गेन किया है वो वेलोसिटी गेन किया है बीस मीटर पर सेकेंड का सो फाइनल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी गिवन बाय ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड विच इज द मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी क्यों क्योंकि इसके बाद बॉडी एक्सिलरेट नहीं कर रही है Move भले ही कर रही होगी लेकिन इसके बाद एक्सेलरेट नहीं करेगी बिकॉज एज यूल टू सी एट टाइम इज इक्वल टू एट इज इक्वल टू टेन जाएगा अब यहाँ पर देखो और बेटर क्लियरेंस आएगा यहाँ पर क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है बॉडी जीरो बॉडी यहाँ पर इस ऑब्वियसली बात है रेस्ट से शुरू हो रहा है जरा सा ऑब्जर्वेशन लीजिए बॉडी ने मोशन शो किया इस तरीके से रेस्ट से t1 टाइम के लिए एक्सेलरेट करते हुए एक वेलोसिटी एक्वायर की देख पा रहे हो स्लोप इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन अल्फा इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप तो मैं एक्सेलरेशन देता है फिर बाद में वो बीटा के एक्सेलरेशन से डीएक्सेलररेट करते हुए दोबारा से वो रेस्ट के ऊपर आ जाती है तो तो यहां पर स्लोप इज कांस्टेंट एंड नेगेटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड उस डीएक्सेलरेशन तो डीएक्सेलरेशन शुरू हो गया तो आई कैन से इस इंस्टेंट के ऊपर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी है तो हमें बेसिकली ये वाली वेलोसिटी वी नॉट निकालनी है निकालो निकालो V -not तुम्हें निकालने हैं, तो हैं निकाल लेते हैं, maximum velocity. कैसे निकालोगे जी एक बार जरा सा हम ऐसे करते हैं ये वाली जर्नी की बात करते हैं अभी अगर मैं ये वाली जर्नी की बात करूं तो चेंज इन वेलोसिटी आया है वी नॉट से ये चेंज इन वेलोसिटी आया है टी वन टाइम में दिस द एक्सेलरेशन अल्फा

एक बार जरा सा देखो डीएक्सेलरेशन आ गया तुम्हारे पास बीटा का नाउ इन दिस इक्वेशन आई हैव टू वेरिएबल्स मतलब मुझे यहाँ पर टी वन की वैल्यू को मान लो मैं कैपिटल टी निकाल रही हूँ

वन की वैल्यू को जरा सा बच्चों यहाँ पर सब्सिटीट्यूट कर दीजिए अगर मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देती हूँ तो मेरे पास आ गया टी माइनस टी माइनस वी नॉट को कॉमन लेके वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा तुम्हारे पास t की वैल्यू कितनी आ गई v नॉट अल्फा प्लस बीटा सॉरी ये वाली वैल्यू आ गई अल्फा

मैक्सिमम वेलोसिटी हमें निकालना था लेकिन मुझे ये वाली टर्म नहीं चाहिए थी तो मैंने दो इक्वेशंस इक्वेशंस दो लिखी, दोनों में है से टी वन निकाला दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दिया ये आगे उसी तरीके से तुम लोग यहाँ पर अब की, अब भी निकाल सकते हो, कि मान लो अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज इन द इंटायर जर्नी ठीक तो है है uh, uh, तो तो की की कितनी आ आ गई गई तुम्हारे तुम्हारे पास पास पर अगर तुम लोग सब्स्टिट्यूट करो तो ये तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आ गई अल्फा बीटा टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा जितने क्वेश्चंस उतनी ज्यादा क्लैरिटी अब देखो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आया है वो आ गया हमारे पास मोशन अंडर द ग्रेविटी मोशन अंडर द ग्रेविटी के बाद सिर्फ एक टॉपिक है विच इज द रिलेटिव मोशन तो चीजें लाइक अच्छे क्वेश्चन भी हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी है कंसेप्ट सिर्फ इतना याद रखो एक्सिलेशन टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया चेंज इन पोजिशन देता है डिस्प्लेसमेंट देता है उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी उसी तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन स्लोप के दो हिस्से हैं मैग्नेट्यूड और साइन मैग्नेट्यूड स्टीपनेस से पता लगता है साइन पता लगता है कि जब तुम टाइम की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो तो जो दूसरी क्वांटिटी तुमने वाई एक्सिस पे ली है वो भी इंक्रीज है कि डिक्रीज है अगर वो भी इंक्रीज है टाइम गुजरते गुजरते तो स्लोप पॉजिटिव है अगर नहीं इंक्रीज करिए तो स्लोप नेगेटिव है ठीक है तो उस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी कर लिए उस, और उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर कुछ न्यूमारिकल क्वेश्चन भी कर लिए बाकी और क्लियरेंस आ जाएगी तुम लोगों को इस टॉपिक के ऊपर एक बार जब तुम यू नो सिलेक्टेड क्वेश्चन के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर लेते हो PYQs लगा लो ठीक है और फिर सैटरडे सेट डाउन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स हम लोग इस चैप्टर से उठा लेंगे उससे ज्यादा अभी जो मैंने तुम्हें बताया इससे ज्यादा करने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास ठीक है अभी बच्चों अगर मैं मोशन अंडर द ग्रेविटी की बात करूं तो मोशन अंडर द ग्रेविटी यह डिफरेंट है ही नहीं

तो अब बच्चे मुझे यहाँ पर बोलते हैं कि मैम हमें हाँ साइन कन्वेंशन में दिक्कत आती है हम साइन कन्वेंशन में मिस्टेक करते हैं तो आगे जितने भी क्वेश्चन है उससे तुम्हें यह पता लगेगा कि किस तरीके से तुम साइन कन्वेंशन के ऊपर रूल करोगे ना कि साइन कन्वेंशन तुम पे रूल करेगा तो आई कैन से मोशन अंडर द ग्रेविटी इज बेसिकली द मोशन अंडर अंस्टेंट एक्सेलरेशन इट इज द मोशन क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसको तुम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हो सो दिस इज द मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यहां पर बॉडी मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन में सॉरी फॉर दी स्पेलिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन में शो करता है तो आई कैन राइट डाउन द बेसिक काइनेमेटिक इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जो लगती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जो लगती है जैसे कि इज इक्वल टू u प्लस जी टी विक्टोरिकल फॉर्म में लिख रही हूं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क् वी स्क्वेर माइनस यू स्क्वे गिवस यू टू जी एस तो ये मेरे पास बच्चों तीन के मैटिक आई है विच आर अंडर एक्सेलरेशन

ठीक है अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि ये जो हमारी तीन कैनोमेटिक इक्वेशन है उनको रिफ्रेम करो क्योंकि अभी अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है यू विल नॉट बी एबल टू राइट दैट वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी यू विल नॉट बी एबल टू राइट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर तो मैं चाहती हूं कि अगर मान लो तुम्हारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाए तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में किस तरीके से ये दोनों इक्वेशन मॉडिफाई होगी उसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है ठीक है तो अभी जरा सा देखिएगा फाइनल वेलोसिटी इज गिवन बाय इनिशियल वेलोसिटी प्लस द चेंज इन वेलोसिटी काफी टाइम से अभी मैं बात कर रही हूँ इसके बारे में तो चेंज इन वेलोसिटी की बात करूं तो चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सीन के लिए हो जाता सिर्फ एक्सिलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम कि जो चेंज इन वेलोसिटी आया है तुम्हारे पास टी टाइम में अंडर द कांस्टेंट देशन इट इज एक्सिलेशन मल्टीप्लाइड बाय टी टाइम तभी इक्वेशन बन जाती है तुम्हारे पास वी इज इक्वल टू यू प्लस ए लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर मेरे पास एक्सिलरेशन क्या है यहाँ पर मेरे पास एक्सिलेशन वेरिएबल है तो इस वेरिएबल में मुझे चेंज इन वेलोसिटी अगर निकालना है तो इंटीग्रेट करेंगे ना कर चुके हैं हम लोग के तो आई कैन से दैट दी चेंज इन वेलोसिटी इज गोइंग टू बी गिवन बाय इंटीग्रेटिंग द देशन विद टाइम ये वाली वैल्यू आ गई तुम्हारे पास थ्री टी स्क्ड बाई टू ये आ गया मेरे पास चेंज इन वेलोसिटी तो मेरे पास आया वी

मार्क्स बढ़ते हैं एग्जाम्पल ले लो या फिर चलो तीस मार्क्स बढ़ते हैं तो देर इज नो एक्सिलेशन इन द इंक्रीज इन योर मार्क्स कि तुम्हारे मार्क्स कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज करें विच इज थर्टी मार्क्स पर मंथ है ना तो आई कैन से कि जितना इंक्रीज इन मार्क्स आया है थ्री मंथ्स में इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाइड बाय वन मंथ में कितना इंक्रीज आ रहा था वही चीज मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि बॉडी मूव कर रही है बॉडी डिस्प्लेसमेंट शो कर रही है टी टाइम में तो कुछ तो वो डिस्प्लेसमेंट इसीलिए शो करेगी क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी अगर एक्सेलरेशन नहीं भी होता फिर भी वो टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट शो करती और वो डिस्प्लेसमेंट होती उसकी इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टी टाइम अब यहां पर अगर बॉडी एक्सिलरेट कर रही है तो वो एक एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट शो करती है एंड दिस इज दी एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट जो उसकी एक्सिलरेशन की वजह से आ रहा होता है ये वो एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट है विच इज ड्यू टू देशन तो अब हम क्या करेंगे अब हम शुरू करेंगे एक्सिलरेशन से एक्सिलेशन आ गया तुम्हारे पास थ्री टी अभी इस एक्सेलरेशन की वजह से जो चेंज इन वेलोसिटी आया वो आ गया मेरे पास थ्री टी स्क्ड बाई टू अब इस चेंज इन वेलोसिटी की वजह से जो मैं एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करूंगी वो भी निकाल सकती हूँ कि मैंने इस चेंज इन वेलोसिटी की वजह से जो एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है वो मुझे तब पता लगेगा जब मैं इसकी इंटीग्रेशन कर दूंगी टाइम के साथ तो अब जब मैं इसकी इंटीग्रेशन कर देती हूँ टाइम के साथ तो तुम्हारे पास वैल्यू आ जाती है टी क्यूब डिवाइडेड बाई टू तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट एक्सिलरेशन की वजह से ट्रैवल की है इट इज इक्वल टू टी क्यूब डिवाइडेड बाई टू मतलब मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि मेरे पास इक्वेशन आ गई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस टी क्यूब डिवाइडेड बाई टू एक बार जरा सा गौर फरमाइएगा कोई मैंने यहाँ पर रॉकेट साइंस की बात नहीं की अगर एक्सेलरेशन नहीं होता तो बॉडी ने टी टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल करना होता इट वुड हैव बीन इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम अब बॉडी अगर शो कर रही है तो वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी कैसे निकालोगे in बाद में इसकी एक और बार इंटीग्रेशन करो ताकि तुम्हें ये पता लगे कि इस एक्स्ट्रा चेंज वेलोसिटी की वजह से बॉडी कितना एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट शो कर रही है एक बार जरा सा यहां पर देख लीजिएगा ठीक आई कैन शो ऑल ऑफ यू दी सेम थिंग मान लो अगर मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लिखती देखो मान लो अगर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन मेरे पास जी है ना जी इज कॉन्स्टेंट है जी इज कॉन्स्टेंट है तो आई कैन से ये जो चेंज इन वेलोसिटी लेके आ रहा है इट इज सिंपली जी मल्टीप्लाइड बाई टी और इस चेंज इन वेलोसिटी की वजह से यहां पर बॉडी जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो मुझे पता लगेगा जब मैं इस चेंज इन वेलोसिटी इंटीग्रेशन कर देती हूँ या फिर जब मैं जी की इंटीग्रेशन कर देती हूँ जो मुझे जी टी दे देता है तो वही तो है मेरे पास दैट फाइनल वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस द चेंज इन वेलोसिटी उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट शोन बाय द बॉडी इन टी टाइम

एक बार जरा सा यहाँ पर देखिए आई कैन ओनली होप कि तुम लोगों को ये चीज क्लियर हो चुकी है नाउ फोकसिंग ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी लेट क्वेश्चंस ऑन इट और मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से तुम साइन कन्वेंशन डिक्टेट करोगे ना कि साइन कन्वेंशन तुम्हें डिक्टेट करेगा तुम ऊपर वाली डायरेक्शन को भी पॉजिटिव लेके चल सकते हो नीचे वाली डायरेक्शन को भी पॉजिटिव लेके चल सकते हो वो बिल्कुल तुम पे है

तो बॉडी का मोशन है ऊपर की डायरेक्शन में लेकिन मोशन सपोर्ट हो रहा है नीचे की डायरेक्शन में तो इट इज स्पीडिंग डाउन अल्टीमेटली यहाँ पर जाके वो रेस्ट के ऊपर आ गई अब बॉडी रेस्ट के ऊपर है एक्सेलरेशन अब भी नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है तो बॉडी का मोशन सपोर्ट हो रहा है नीचे की डायरेक्शन में तो अब वो दोबारा से नीचे आएगा जिस वेलोसिटी से ऊपर उठा था उसी वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट भी करेगा तो तुमसे टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर पूछा हुआ है कि टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर व्हाट इज द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी तो जीरो है भाई देखो टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर बात करूं तो टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कितने रही वेलोसिटी रही जीरो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करूं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जी का मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन आ गया माइनस जे का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड एट ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड स्पीड तुमसे ये पूछा हुआ है कि यहाँ पर ये जो बॉडी है कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी कोई दिक्कत की बात नहीं है डायग्राम बनाओ कि ये मेरे पास बॉडी थी बॉडी को ऊपर फेंक दिया मैंने बीस मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है इसने मान लो एक मैक्सिमम हाइट रीच कर ली तो अभी तुमसे ये पूछा हुआ है कि यहाँ पर ये कितनी मैक्सिमम हाइट रीच कर रही है तो यू हैव द वेलोसिटी, यू हैव एक्सेलरेशन यू हैव द फाइनल वेलोसिटी, बिकॉज मैक्सिमम हाइट के ऊपर वेलोसिटी हो गई जीरो तुमसे पूछा हुआ है डिस्टेंस तो कौन सी इक्वेशन यूज करोगे कौन सी इक्वेशन यूज करोगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस तो सबसे पहले मेन इक्वेशन लिखो लिख दी मेन इक्वेशन अब तुम लोग बोलते हो कि तुम्हें साइन कन्वेंशन में दिक्कत है तुम डिसाइड करो साइन कन्वेंशन तो मैं अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं डिसाइड कर रही साइन कन्वेंशन कि मैं ऊपर को पॉजिटिव लेना चाहूंगी नीचे को नेगेटिव लेना चाहूंगी तो जो भी वैक्टर ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव में लिख दो जो भी वैक्टर नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव में लिख दो फाइनल वेलोसिटी तो खैर हमारे पास जीरो ही है इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव की, की डायरेक्शन में बीस था एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पर नेगेटिव की डायरेक्शन में दस है

ठीक है ये करते हैं अभी ये वाला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन यहां पर ये है कि अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ठीक है एंड इट्स स्पीड डाउन्स टू हाफ ऑन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी मीटर मान लो वो वी की वेलोसिटी से मूव कर रहा था जब तक वो बीस मीटर का ट्रैवल बीस मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो उसकी जो स्पीड है वी से लेके वी बाय टू आ गई आगे तुमसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो कंप्लीटली रेस्ट के ऊपर आ जाएगा तो बच्चों बनाओ ये चीज ठीक है ये चीज़ तुम तुम को बनानी पड़ेगी कि मान लो ऊपर आ जाएगी है ना तो ये वाला डिस्टेंस है तुम्हारे पास बीस मीटर ये वाला डिस्टेंस है एक्स

रिटार्डिंग एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन का मतलब यह है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है तो तुम देख पा रहे हो एक्सेलरेशन को नेगेटिव में ले लेना राइटिंग डाउन द इक्वेशन आ जाओ सबसे पहले ये वाली सिचुएशन की इक्वेशन लिखते हैं तो यह वाली सिचुएशन की इक्वेशन आ गई uh, v 2 का स्क्वायर v का स्क्वायर इज इक्वल टू Two times -acceleration. Two times acceleration. Acceleration negative की की में में है तो negative. Displacement positive की direction में तो positive 20 है. फिर मैं जाऊंगी अपनी दूसरी सिचुएशन के ऊपर एक बार जरा सा देखना, दूसरी situation के ऊपर जो है ये वाली अब मैं बच्चों इसके लिए भी इक्वेशन लिखूंगी मेरे पास आ गया जीरो का स्क्वायर माइनस वी बाय टू का स्क्वायर

दूसरा तुम्हारे पास आया माइनस बी स्क्वायर बाय फोर इज इक्वल टू माइनस टू ए एक्स डिवाइड कर दीजिए तो यू विल गेट द आंसर नहीं डिवाइड कर दो माइनस थ्री बी स्क्वायर बाय फोर डिवाइडेड बाय माइनस बी स्क्वायर बाय फोर इज इक्वल टू ऊपर क्या वैल्यू आई थी ऊपर वैल्यू तुम्हारे पास आ गई थी माइनस फोर्टी ए नीचे वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई माइनस टू ए एक्स वैल्यू आगे, आगे तुम्हारे पास क्या एक्स की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास थ्री इज इक्वल टू ट्वेंटी बाय एक्स एक्स की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास ट्वेंटी बाय थ्री मीटर मूविंग ऑन अब की बार क्वेश्चन यहाँ पर ये है तुमने बॉल को ऊपर फेंका विद विदोसिटी यू इन दी अपवर्ड डायरेक्शन यहाँ पर देख पा रहे हो किस तरीके से ठीक है एक टावर के एक टावर की चोटी से जिसकी हाइट की वैल्यू है एच इफ इट स्ट्राइक्स दी ग्राउंड विद दसिटी फोर यू वॉट इज दाइम टेकन बाई द बॉल टू हिट दी ग्राउंड मतलब यहाँ पर ये ग्राउंड को हिट कर रहा है और ये ग्राउंड को कितनी वेलॉसिटी के साथ हिट कर रहा है फोर यू की वेलॉसिटी के साथ हिट कर रहा है तो तुमसे टाइम की वैल्यू पूछी हुई है तो तुम समझो यू हैव द इनिशियल वेलोसिटी यू हैव द फाइनल वेलोसिटी यू हैव द डिस्टेंस तुमसे टाइम पूछा हुआ है इनफैक्ट यू ऑल्सो हैव द एक्सेलरेशन यू हैव द एक्सेलरेशन और तुमसे टाइम पूछा हुआ है कौन सी इक्वेशन को इस्तेमाल करना चाहोगे कोई भी इक्वेशन कर सकते हो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी भी कर सकते हो तो मानो मैं ये वाली इक्वेशन करती हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस एटी तो तुम पहले ये डिसाइड करो कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है कौन सी डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है द रीजन बीइंग कि ये मेरे पास इनिशियल पॉइंट है और ये इस तरीके से ये मेरे पास फाइनल पॉइंट है है तो जो डिस्प्लेसमेंट नीचे डायरेक्शन में जस्ट मैं बोल रही हूँ ठीक है तो मान लो मैं नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव में ले लू मेरी मर्जी तो अब मैं इक्वेशन उसी हिसाब से ले लूंगी कि जो फाइनल वेलोसिटी है पॉजिटिव की डायरेक्शन में फोर यू है इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव की डायरेक्शन में यू है एक्सेलरेशन पॉजिटिव की डायरेक्शन में जी है ये देखो टाइम की वैल्यू नहीं आई आई जी टी की वैल्यू आगे, पास you, की आगे इतना इजी है ठीक है अब ये वाला क्वेश्चन देखो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड टू अटेन द मैक्सिमम हाइट ऑफ फोर्टी फाइव मीटर तो अब तुमसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है वॉट इज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट मतलब अगर मैं बोलूं कि तुमने बॉडी को किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा मान लो यू की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा तो अब वो जो मैक्सिमम हाइट अटेन कर पा रही है दैट मैक्सिमम हाइट इज 45 मीटर तुम्हें अभी यहाँ पर ये बोला हुआ है दैट एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 मीटर डिवाइडेड बाय टू यहाँ पर व्हाट इज गोइंग टू बी दी वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी तो तुम क्या करो ना तुम यू कैन सॉल्व इट इन वेरियस फॉर्म्स तुम इस ये वाले मोशन को कंसीडर कर लो कि अगर मैं ये वाले मोशन के विद रिस्पेक्ट टू बात करूं इनिशियल वेलोसिटी होगी v बाई टू फाइनल वेलोसिटी होगी जीरो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन में देखो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन में है फोर्टी फाइव मीटर का फोर्टी फाइव मीटर का और तुम्हें वी की वैल्यू निकालनी है तो सोचो एक बार यू हैव द इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन सॉरी यू हैव द यू नीड टू कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी यू हैव दिस्टेंस कौन सी इक्वेशन आ रही है दिमाग में वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू टू एस वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू टू एस अब तुम देखो तुम कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना चाहते हो कौन से डायरेक्शन को नेगेटिव तो मैं मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूँ तो अब जो भी वेक्टर ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव लिख दूंगी नेगेटिव की डायरेक्शन में नेगेटिव लिख दूंगी तो मेरे पास आ गया जीरो का स्क्वायर माइनस वी बाय टू का स्क्वायर क्योंकि तुम्हें तो, तो वी की वैल्यू निकालनी अच्छा तुम्हें तो, तो वी की वैल्यू निकालनी है ना मैंने यहाँ पर वी बाई टू क्यों लिया वी ही आएगा फिर यहाँ पे ठीक है ये वाले पॉइंट के ऊपर अगर मैं वेलोसिटी को वी बोल रही हूँ तो यहाँ पर आ गया वी का स्क्वायर ठीक है एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन में है कितने मैग्नेट्यूड का वी की वैल्यू आ गई तुमसे ये नहीं पूछा था कि तुमने कितने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा है अगर ये पूछा होता कितने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहा है तो मैं इसको इनिशियल पॉइंट लेती इसको फाइनल पॉइंट लेते मुझसे तो ये पूछा हुआ है कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट के ऊपर कितनी वेलोसिटी है तो मैंने सोचा या तो मैं इन दोनों को कंसिडर कर सकती हूँ या मैं इन दोनों इन दोनों पॉइंट्स को कंसिडर कर सकती हूँ तो मेरे दिमाग में आया क्यों, क्यों ना इन दोनों पॉइंट को कंसिडर करूँ क्योंकि एक पॉइंट पे एटलीस्ट मुझे मुझे वेलोसिटी पता है डिस्प्लेसमेंट पता है एक्सिलरेशन पता है आराम से ये वाली वेलोसिटी आ जाएगी आ गया तुम्हारे पास आंसर एक बार जरा सा देखो वैल्यू कितनी आई वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास फोर फिफ्टी तो वी की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ फोर फिफ्टी मीटर पर सेकेंड बॉडी एट हाफ दाइट ठीक है और क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन जरा सा देखिए तो क्वेश्चन अभी तुम्हारे पास ये अ बलून स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम दी ग्राउंड फ्रॉम रेस्ट विद अपर्ड एक्सेलरेशन ऑफ टू मीटर पर सेकेंड स्क्स्ट आफ्टर वन सेकेंड अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट सो वॉट इज दू स्ट्राइक दी ग्राउंड तो तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा वरना ये वाले क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसका मतलब ये कि मान लो यहां पर इस तरीके से ये तुम्हारे पास ग्राउंड था बनाने की कोशिश करो इमेजिन नहीं कर पाओगे तो सॉल्व नहीं होगा ये तुम्हारे पास ग्राउंड था मस्त यहां से एक बलून चला ये तुम्हारे पास बलून था तो ये ऊपर एक्सिलेशन शो करना करने लग गया जी, आ, दो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो इनिशियल वेलोसिटी बलून की है इट इज इक्वल टू जीरो एक सेकेंड के बाद बलून यहां पर पहुंचा

कितने टाइम में ग्राउंड को हिट करेगा कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बलून के इक्वल टू एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है कितने डिस्टेंस से नीचे गिर रहा है तो कितने डिस्टेंस से नीचे गिरेगा इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू बलून एक सेकंड में कितना राइज करे तुम ऐसे सोचो तुमसे ये पूछा हुआ है ना कि स्टोन कितने टाइम में ग्राउंड को हिट करेगा तो कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है अगर मान लो मैं यही वाली इक्वेशन भी, लिखन, भी लिखना चाहूंगी प्लस हाफ एटी स्क्वे अगर मैं ये वाली इक्वेशन भी लिखना चाहूँ तो मुझे टाइम चाहिए तो अगर मुझे टाइम निकालना है तो सबसे पहले मुझे इसकी इनिशियल वेलोसिटी चाहिए मुझे ये वाला डिस्टेंस भी चाहिए कोई बड़ी बात नहीं करी है मैंने ठीक है तो अभी उसके लिए आई नीड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन देखो तुम्हें क्या क्या चाहिए एक तो तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन चाहिए और तुम्हें ये चाहिए कि एक्चुअली में ये जो स्टोन है ग्राउंड के ऊपर कितने डिस्टेंस के ऊपर है बिकॉज तुम्हें ये नहीं पता कि ये जो स्टोन है ग्राउंड से ऊपर कितने डिस्टेंस के ऊपर है तो तुम्हारे पास ये वाली x की वैल्यू भी तुम लोग चाहते हो तुम्हें x की वैल्यू भी चाहिए तो अभी समझो एक एक करके निकालते हैं अगर मैं बात x की वैल्यू की बलून डायरेक्शन को मैं यहाँ पर पॉजिटिव ले रही हूँ एक्सेलरेशन ऑफ द बलून ऊपर की डायरेक्शन में दो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था कितने टाइम के लिए चला है भाई वो एक बार जरा सा देखो कितने टाइम के लिए चला है वो वो चला है एक सेकेंड के लिए तो यहां से आई कैन कैलकुलेट वॉट इज द वेलोसिटी ऑफ द बलून एट टाइम टू वन सेकेंड विच इज विच इज गोइंग टू बी गिवन बाई वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी तो ये वाली वैल्यू आ गई तुम्हारे पास दो मीटर पर सेकेंड मतलब बलून की एक सेकेंड पे वेलोसिटी थी ऊपर दो मीटर पर सेकेंड मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन इज आल्सो इन द अपवर्ड डायरेक्शन हैविंग टू मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड

यहां पर ये इस तरीके से गिरना चाहता है तो जो ग्राउंड का इसका जो लेवल है इट इज इक्वल टू 1 मीटर तुम्हें टाइम बताना है तो ऐसा क्वेश्चन इसी तरीके का एक क्वेश्चन ये देखो यहां पर किया था इनिशियल वेलोसिटी तो मतलब तुम्हारे पास एक बॉडी थी इनिशियल वेलोसिटी अब तुम्हारे पास है डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे पास है acceleration है टाइम निकालो तो अगेन ऊपर की डायरेक्शन को मैं ऑलरेडी पॉजिटिव लेके चल सकता कल कल चल चुकी हूँ तो एस की वैल्यू आ गई बिल्कुल थक गई मैं तो डिस्प्लेसमेंट देखो तो नीचे की में है नेगेटिव का वेलोसिटी है पॉजिटिव दो टाइम की वैल्यू मुझे निकालनी है एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में है नेगेटिव दस टाइम की वैल्यू मुझे निकालनी है तो तुम्हारे पास वैल्यू आ गई फाइव टी स्क् माइनस टू टी माइनस वन गिव जीरो टाइम की वैल्यू अब यहाँ से निकालोगे एक बार जरा सा देखिए टाइम की वैल्यू अब तुम लोग यहाँ से निकालोगे टी की वैल्यू अब यहाँ से है। बहुत था। बहुत था। तो देखो दोबारा से बलून था बलून की इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी दो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर राइज करने लगा एक सेकेंड तक राइज किया तो ऑब्वियस ही बात है

अब तुमसे पूछा हुआ है कि लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स अपवर्ड जर्नी में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है मतलब यहां से लेके यहाँ तक अगर एक सेकेंड है तो वो वाले डिस्टेंस की बात हो रही है सो दिस इज सो जेन्युइन कि लास्ट सेकेंड ऑफ द अपवर्ड जर्नी और फर्स्ट सेकेंड ऑफ द डाउनवर्ड जर्नी में सेम टाइम होगा ना मतलब सेम डिस्टेंस ट्रेवल होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितना टाइम लगता है यहाँ से लेके यहाँ तक उतना ही टाइम लगता है या फिर आई कैन से यहाँ से लेके यहाँ तक दो सेकेंड है और एक्स की हाइट कवर की है तो यहां से लेके यहाँ तक दो सेकेंड है तो एक्स की हाइट से वो नीचे भी आएगा तो मैं ये बोल रही हूँ अपवर्ड जर्नी इज गोइंग टू बी इक्वल टू द दिस्टेंस ट्रैवल द बॉडी इन द फर्स्ट सेकेंड ऑफ इट्स डाउनवर्ड जर्नी तो तुम क्या करो तुम ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को कंसिडर करो कि इनिशियल वेलोसिटी आ गई जीरो नीचे की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेना चाहूंगी बिकॉज मेरी मर्जी तो एक्सिलेशन आ गया तुम्हारे पास पॉजिटिव दस मीटर पर सेकेंड की हम लोग बात कर रहे हैं तो मैं डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी गया जीरो टाइम्स ऑफ वन प्लस हाफ ऑफ टेन मल्टीप्लाइड बाई वन का स्क्वायर गिविंग यू फाइव मीटर एज द आंसर एक बार जरा सा बच्चों यहाँ पर देख लीजिए ठीक है अब अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर आ जाऊं ये वाला क्वेश्चन देखो तो तुम देख पा रहे हो द ओनली वे आई कैन टीच इज बाई लेटिंग ऑल ऑफ यू नो हाउ डू बी सोल्व द्वेश्चन तो यहाँ से कुछ क्लियरेंस आ जाएगी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन की डीपीपी तुम लोग कर लेना एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी क्रिस्पी क्रिस्पी क्लियर ठीक है यहां है क्वेश्चन अभी पर ये कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है और कांस्टेंट एक्सिलेशन के साथ मूव करती है तो अब तुमसे ये पूछा हुआ uh, है व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बाय बॉडी इन वन सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी इन फर्स्ट टू अगर मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू हाफ एटी स्क्वे

ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो ये वाले डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी इट इज इक्वल टू हाफ ए दो सेकंड के लिए चला है ये वाली वैल्यू आ गई तुम्हारे पास कितनी टू अगर मैं बात करती हूं कि इसने कितना बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल किया है पहले के तीन सेकेंड में तो मान लो इसने पहले के तीन सेकेंड में ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया है दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट तो वैल्यू कितनी आ गई हाफ a a a multiplied by 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 square, which is 9 times of a by 2, which is is times times of of equal to तो ये distance तुम्हारे पास फोर टाइम्स पास नाइन टाइम्स है मुझे तो सिर्फ रेशियो से दिक्कत रेशियो निकालना है ना तो रेशियो कितना आया तुम्हारे पास रेशियो आ गया वन रेशियो फोर रेशियो नाइन रेशियो सिक्सटीन एंड सो so ऑन अगर मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मान लो मैं तुमसे अब यहाँ पर ये पूछूं बच्चों ठीक है इसी को मॉडिफाई करना चाहूंगी ठीक है मान लो अब की बार मैं तुमसे क्वेश्चन ये पूछती हूँ व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी

लॉ ऑफ ऑर्ड नंबर्स एक बार जरा सा देख लीजिएगा यहां से लेके बड़ा जेनवें कुछ ऐसे मैंने बड़ी बात नहीं करी है पहले सेकंड में फर्स्ट सेकंड ऑफ इट्स जर्नी ए बाय टू फर्स्ट टू सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी फोर टाइम्स ऑफ ए बाय टू इसका मतलब फर्स्ट सेकेंड ऑफ दी जर्नी ए बाई 2 सेकेंड सेकेंड ऑफ दी जर्नी 3 ए बाई 2 पहले दो सेकेंड में 4 टाइम्स ऑफ ए बाई 2 पहले के तीन सेकेंड में 9 टाइम्स ऑफ ए बाई 2 मतलब uh, मतलब तीसरे सेकेंड में बिटवीन टू सेकेंड्स एंड टू सेकेंड्स एंड थर्ड सेकेंड्स वो आ गया तुम्हारे पास 5 ए बाई 2 तो ये एक्स नॉट है तो ये फोर एक्स नॉट है ये नाइन एक्स नॉट है अगर ये एक्स नॉट है ये थ्री टाइम्स ऑफ एक्स नॉट है ये इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन हम लोग टाइम के लिए कर सकते हैं कि मान लो तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया जाए कि जो बॉडी है टाइम इज इक्वल टू जीरो पे यहाँ पर है टाइम इज इक्वल टू जीरो पे वो रेस्ट के ऊपर थी और अभी कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो अभी तुमसे ये पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द द टाइम टेकन बाय बॉडी टू मूव टू अस ऑफ एच या फिर कवर डिस्टेंस एच ठीक या फिर टाइम लग जाएगा मैं इसको जैसे कि पिछले वाले केस में मैंने तुम्हें तो दोनों चीजें करवाई मैं यहाँ पर एक चीज करवाती हूँ सिर्फ मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद कॉन्स्टेंट एक्सिलरेशन वॉट इज द रेशियो ऑफ टाइम Taken by it, taken by it to cover distance x, two x, three x, and so on. To cover distance x, to cover distance x, two x, three x, four x, and so on.

फिर 3x को 3t टाइम में t3 टाइम में करा तो वो वाला रेशियो निकालना है कि ये आ गया तुम्हारे पास x ये आ गया तुम्हारे पास 2x ये आ गया तुम्हारे पास 3x तो अगर यहाँ पर टाइम t1 है यहाँ पर अगर टाइम t2 है यहाँ पर अगर, अगर टाइम t3 है तो वो वाला रेशियो हमें निकालना निकालो वैल्यू आ गई √2 टाइम्स ऑफ xy a वैल्यू आ गई √2 टाइम्स ऑफ 2xy a वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ टू टाइम्स ऑफ थ्री एक्स बाई ए तो ये वाला रेशियो किसकेशियो है अंडर रूट ऑफ वन रेशियो अंडर रूट ऑफ टू रेशियो अंडर रूट ऑफ थ्री विच कैन सिंपली बी रिटर्न आज इक्वल टू वन रेशियो अंडर रूट ऑफ टू रेशियो अंडर रूट ऑफ थ्री अंडर रूट ऑफ फोर एंड सो ये हो गया हमारे पास बच्चों टाइनोमैटिक इक्वेशन की एप्लीकेशंस और मोशन अंडर ग्रेविटी अभी ऐसा करते हैं कि रिलेटिव मोशन को अभी के लिए छोड़ देते हैं वन डायमेंशन के लिए भी छोड़ देते हैं रिलेटिव मोशन को टू डायमेंशन के लिए भी छोड़ देते हैं एक एक्स्ट्रा वीडियो मैं बना दूंगी रिलेटिव मोशन के ऊपर कि जैसे कल हम मोशन है ना प्लेन करने वाले रिलेटिव मोशन नहीं करेंगे आज वाली क्लास में भी रिलेटिव मोशन नहीं करें एक अलग से वीडियो आ जाएगी रिलेटिव मोशन के ऊपर तुम उसकी हेल्प से जरा सा कंप्लीट कर लेना सो दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास आई एम होपिंग जितने भी चीजें क्योंकि तुम यहां पर देखो यार कितने सारे क्वेश्चन करा दिए लुक एट दी स्लाइड्स लुक एट दी स्लाइड जी जहां पर भी तुम्हें इनिशियल रेड से दिख रहा है वो सारे के सारे क्वेश्चन है तो बातें बताने को कम है लेकिन जब तक जब भी मैं वो बातें बताऊंगी इन क्वेश्चन फॉर्मेट वो तुम्हें हमेशा ज्यादा क्लियरेंस देंगी तो जितने क्वेश्चन उतनी ज्यादा क्लैरिटी ये जो मैंने क्लास में क्वेश्चन कराए हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है फास्ट ट्रैक सिंगल शॉट कवरेज क्लास में इतने ही क्वेश्चन हो पाएंगे इसके अलावा तुम एनसीआरटी के एग्जाम्पल कर सकते हो एनसीआर टी एक्सरसाइज कर सकते हो लेकिन वो सब बाद में सबसे पहले सिलेक्टेड क्वेश्चन का क्वेश्चन ट दैट देन इफ यू टू सोल्व मोर पी वाई के यूज तो डेफिनेटली करने ही करने के अलावा इफ यू वॉन्ट टू सॉल्व मोर यू कैन गो विदीआर टी एग्जाम्पल्स एंड ग्राफ्स बाकी मिलेगा सब कुछ यही तो सब बच्चे हैश्टा गेट कमेंट कर देंगे इफ यू हैव सीन दिस क्लास एंड लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक इट क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन था तो रिकॉर्डेड uh, सेशन में मुझे भी नहीं जमता है बट व्हाट्सो एवर मुझे करवाना ही था है ना आई डोंट वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू वेट तो अभी मैं अपलोड कर दूंगी मैं अभी ये इसीलिए एंड कर रही हूँ क्योंकि तीन पंद्रह पे मेरी प्लस की क्लास है वरना मैं रिलेटिव मोशन यहीं पे करा देती सो so अगेन uh, अभी हम एडवर्सिटी फेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वी वुड हैव टू चेंज सर्टन थिंग्स बट वी विल नॉट यू नो जैम्बल अराउंड और आई कैन से गैम्बल विद द स्केड्यूल जो हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन है मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया कल मोशन इन अ प्लेन हो जाएगा बस अभी रिलेटिव मोशन आज की क्लास में नहीं किया तो कल की क्लास में भी नहीं करेंगे और कलेक्टिव वीडियो रिलेटिव मोशन पे मैं डाल दूंगी सैटरडे को या फिर संडे को तब तक के लिए इतना काफी है थैंक यू सो मच एवरी लाइक कर दोगे इस वीडियो को कल अभी हम लोग मिलेंगे सुबह के सात बजे मोशन इन अ प्लेन को कंप्लीट करेंगे क्लास पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक टेलीग्राम के ऊपर मैं प्रोवाइड करा चुकी हैं ठीक है थैंक यू सो मच एवरीवन टाटा बाय बाय हैव अ वंडरफुल वंडरफुल डे